हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा, भगवान के भोग लगे तंत्र करे सेवा, भगवान के भोग लगे तंत्र करे सेवा, हरिओम हरिओम चाचू रे क्या हरा हरिओम बोलिए महावीर हनुमान की भजरंग भले भजरंग भले प्राण पधारो कथा चले, अपराण पधारो कथा चले, अपराण पधारो कथा चले, अपराण पधारो कथा चले, प्रभु नाम की गाथा गाना फिर हो है नाम भजरंग भले भजरंग भले अपराण पधारो कथा चले, परमात्मा की अपार कृपा से
हमारा ये सब कर्म प्रभु की ये अमर गाथा निर्विघ्न रूप से चलती हुई आज अपने अंतिम पड़ाव तक आन पहुंची है। बिना किसी विघ्न बाधा के हमारा ये सत्कर्म दिनों दिन प्रगति पथ पर बढ़ता रहा। इसका अभिप्राय ये हुआ कि हम आपने मिलकर जो प्रार्थना परमात्मा के चरणों में की थी, प्रभु ने हमारी वो श्रद्धा भक्ति हमारी वो प्रार्थना स्वीकार की और हम आपको ये सुंदर अवसर दिया कि हम परमात्मा का भजन उनका सत्संग कर सके। बिना प्रभु आज्ञा से बिना प्रभु कृपा से छोटे से छोटा कार्य भी सफल नहीं हो पाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे महान ज्ञान यज्ञ की प्राप्ति तो केवल प्रभु कृपा से ही हो सकती है। जब भी मनुष्यों के अनेकों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब जाकर ही किसी प्राणी की किसी मनुष्य के भगवान के चरणों में भागवत की कथाओं में प्रीति हो पाती है। हम आपने प्रभु के चरणों में ये सत्संग सुना, इसका अभिप्राय कि हमारे मन में परमात्मा तत्व किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान है। प्रभु की नजरों में हम सौभाग्यशाली सच्चिदानंद भगवान के पूर्व दिवस की अमर गाथा में हम आपने ज्ञान की प्राप्ति की। प्रभु बाल कृष्ण लाल जी अपनी बाल लीलाओं से अपनी अटखेलियों से संपूर्ण गोकुल भूमि एवं ब्रज भूमि को आनंदित कर रहे हैं। पूर्व जन्मों के अनेकों ऋषि मुनि साधु संत जो कि अपनी तपस्या पूर्ण करके अपने पिछले जन्मों में प्रभु का दर्शन नहीं कर पाए थे, वे सभी ऋषि मुनि संत यहाँ गोकुल में ब्रज में अनेकों ग्वाल बालों गायों बछड़ों गोपियों सखियों के रूप में अवतरित हुए हैं और उन पूर्व के साधकों उन तपस्वियों की तपस्या का फल प्रभु इस जन्म में अपना सानिध्य प्रदान करके सब पर लुटा रहे हैं। प्रभु के आसपास जितने ये ग्वाल बाल बछड़े सखियां इत्यादि हैं ये सब के सब पूर्व जन्मों के ऋषि मुनि साधु तपस्वी हैं। अतः प्रभु इन सब को तपस्याओं का फल प्रदान करते हुए अनेक प्रकार की लीला रचाते हैं। बालकपन में प्रभु ने अपनी माता यशोदा तथा आस पड़ोस की सब सखियों के यहाँ जा जाकर अनेक प्रकार से माखन चोरी की लीलाएं भी की। अपने सब मित्रों सज्जनों को माखन दही इत्यादि का भोग लगवाया। जैसे जैसे राजा कंस के द्वारा अपने हत्यारे को ढूंढते हुए अनेकों बालकों का वध किया जा रहा था, अब भी राक्षस वे दैत्य कंस के वे भेजे हुए पहरेदार सेवक अपनी मृत्यु को समीप आया जानकर काल के वशीभूत होकर सीधे गोकुल और ब्रज भूमि की तरफ ही जाते हैं और परमात्मा बालकृष्ण लाल जी के हाथों अपना उद्धार करवाते हैं। क्योंकि प्रभु के हाथों जिसका वध जिसका संहार हो उसे संहार या वध नहीं गिना जाता, इसे उद्धार की वस्तु गिना जाता है। सच्चिदानंद भगवान के बालकृष्ण लाल जी विचार करते हैं कि हमारे गोकुल मंडल में हमारे ब्रजवासी भले ही साक्षर नहीं है अर्थात पुस्तकों किताबों का कम ज्ञान रखते हैं पढ़े लिखे नहीं है, परंतु जो वास्तविक ज्ञान है अर्थात अपना आचरण और व्यवहार ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि शत्रुओं से रहित होकर ही करते हैं और यही व्यवहार यही आचरण परमात्म तत्व की प्राप्ति करवाने वाला है। प्रभु विचार करते हैं कि यदि किसी प्रकार की नियम भंगता मेरे गोकुलवासी ब्रजवासी करें तो समय समय पर प्रभु उन्हें अपनी बालकपन की लीलाओं से सुशिक्षित भी करते रहते हैं। जैसे ही अभिमान एवं भ्रम ने ब्रह्मा जी को मोहित किया था तो बालकृष्ण लाल जी ने ब्रह्मा जी के मोह तक को भी दूर किया था
क्योंकि ब्रह्मा जी भी बालकृष्ण लाल जी के साथ माया का प्रयोग कर बैठे थे और बालकृष्ण लाल जी की जो गायें बच रही थी उनका अपहरण ब्रह्मा जी ने कर रखा था। ब्रह्मा जी को भी उचित प्रकार से सुशिक्षित करके प्रभु अभी तक ब्रज मंडल में लीलाएं रचा रहे हैं। एक समय प्रभु देखते हैं कि ये सभी ब्रजवासी अनेक प्रकार के भोजन नैवेद्य प्रसाद बना रहे हैं और संपूर्ण ब्रज मंडल में आनंद का उत्सव मनाया जा रहा है। बालकृष्ण लाल जी हालांकि जानते हैं कि ये संपूर्ण तैयारियां किस बारे में हो रही हैं, परंतु फिर भी अपने पिता नंदराय जी से पूछने लगे कि हे पिताश्री, आज ब्रज में कोई खास मेहमान आने वाला है क्या, जो आप इतना भोजन प्रसाद नैवेद्य बना रहे हैं, ये किस उत्सव की तैयारी हो रही है? नंदराय जी एवं अन्य उन ब्रजवासियों ने कहा कि पुत्र, हे कन्हैया, आज हम भगवान इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, ये इंद्र पूजनोत्सव है। ये ब्रजवासी ग्वाले इंद्र देवता की पूजा करते थे तथा इनसे उचित समय पर वर्षा आदि की प्रार्थना करते थे। बालकृष्ण लाल जी देखते हैं कि इंद्र वर्षाकारी सहायक देवता है, परंतु इंद्र भी अभिमानी हो चुका है। अब जो भी अभिमान रखेगा पहले तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, वो सत्य की पहचान नहीं कर पाता, और फिर जब ज्ञान नष्ट हो जाता है तो वह प्राणी अधिक प्रकार से अनुचित कर्म, पाप कर्म, अभिमानी कर्म करता रहता है और प्रभु अपने किसी भी भक्त, किसी भी सेवक को अभिमान, क्रोध आदि अवगुण से युक्त नहीं रखते। अर्थात जब जब भी किसी प्राणी में, किसी भक्त में अभिमान, मोह इत्यादि ये शत्रु घर करते हैं, अवश्य ही परमात्मा कोई लीला रचाते हैं। आज बालकृष्ण लाल जी इंद्र देवता के अभिमान को उतारने वाले हैं। इन गोकुलवासियों, इन ब्रजवासियों ने सब तैयारियां कर रखी हैं और बालकृष्ण लाल जी पूछने लगे कि हे पिताश्री, हम देवराज इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंदराय जी बतलाने लगे कि इंद्र वर्षा करने में सहायक है और वर्षा से ही हमारे इन भूमियों, इन क्षेत्रों में अन्न, घास इत्यादि उगता है, उसी से हमारा, हमारी गायों का पालन पोषण चलता है। अतः इंद्र देवता के प्रति हम सम्मान प्रकट करते हैं, उनके लिए भोजन नैवेद्य बनाते हैं। बालकृष्ण लाल जी बतलाने लगे कि वर्षा करने में इंद्र की कोई भूमिका नहीं होती, अपितु वर्षा करने के लिए तो हमारे गोवर्धन पर्वत सहायता करते हैं। आज का आधुनिक विज्ञान भी यही बात कहता है कि जैसे ही सूर्य की तपन से, सूर्य की गर्मी से नदियों, समुद्रों, जलकूपों आदि से जल बाष्पित होता है, तो वह बाष्पित हुआ जल हल्का होने के कारण आकाश मंडल की ओर उठता है और ऊपर आकाश मंडल में जाकर धीरे धीरे ये जल बाष्प बूंदों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही इन बूंदों का भार अधिक हो जाता है तो ये पृथ्वी पर वर्षा के रूप में ये पानी टपक पड़ता है। इसी बीच यदि किसी ओर से कोई हवा चले तो आकाश मंडल में, वायु में एकत्रित हुए ये जल बाष्प कण हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसलिए जो समतल प्रदेश होते हैं वैसे स्थानों पर वर्षा कम और जो पहाड़ी प्रदेश होते हैं वहां पर वर्षा ज्यादा। जल बाष्प हवा के द्वारा बहता हुआ आकाश में उड़ता हुआ किसी न किसी पर्वत आदि शिखर से टकराता है और उस पर्वत शिखर के आसपास अधिक वर्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण भी इसी बात को बतला रहे हैं कि देवराज इंद्र वर्षा नहीं करते, अपितु हमारे लिए तो वर्षा का उपयोग जल गोवर्धन पर्वत की कृपा से होता है। और हे पिताश्री, अपने पिता नंदराय जी से कहते हैं बालकृष्ण लाल जी कि आज तक आपने जितनी बार भी देवराज इंद्र की पूजा अर्चना की, उनके लिए ये नैवेद्य प्रसाद बनाया, क्या आज तक कभी इंद्र ने
सामने आकर आपके हाथों का ये नैवेद्य ग्रहण किया। नंदराय जी मुस्कुराते हुए समझाने लगे कि हे पुत्र, देवता के प्रति केवल भावना प्रदर्शित की जाती है, देवता सम्मुख आकर सामने आकर नैवेद्य प्रसाद वस्तु ग्रहण नहीं करते। बालकृष्ण लाल जी बतलाने लगे कि यदि तो देवता वास्तविक हो और सच्ची भावना से उसे बुलाया जाए तो अवश्य ही देवता सामने आकर भी भेंट वस्तु स्वीकार करते हैं। हे पिताश्री, यदि आप परीक्षा करना चाहें तो ये जितना नैवेद्य प्रसाद आपने बना रखा है, इसे आज मिलकर हम गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करेंगे और देखना गोवर्धन पर्वत महाराज देव स्वरूप धारण करके हमारे हाथों से ये नैवेद्य प्रसाद ग्रहण करेंगे। बालकृष्ण लाल जी ने अपने इन ज्ञानपूर्ण बातों से नंदराय जी एवं अन्य बड़े बुजुर्गों का हृदय जीत लिया और प्रभु के कहने में आकर इन सब ब्रजवासियों ने इंद्र को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय कर लिया। ये सभी ब्रजवासी, गोकुलवासी, ग्वालवान अपने अपने घर से ये वस्तु सामग्री उठाकर गोवर्धन पर्वत के पास चले गए। अनेकों घड़े, मटकियां इत्यादि लेकर सबने पहले गोवर्धन पर्वत जी का अभिषेक करवाया अर्थात स्नान करवाया और अनेक प्रकार से पूजन सामग्री, फूल पत्तियों इत्यादि से गोवर्धन को बुलाया, उनकी पूजा की। जब बाली नैवेद्य लगाने की आई तो स्वयं बालकृष्ण लाल जी एक बालक रूप से तो वहीं रहे सबके सामने और अपना एक रूप लेकर प्रभु गोवर्धन की एक गुफा में जा छुपे और वहां से सब इन ग्वाल बालों को पुकारते हुए कहने लगे कि हे ग्वाल बालों, आज आप मेरा पूजन करने के लिए आए हैं, जो वस्तु सामग्री आप मुझे प्रदान करना चाहें मैं स्वयं सामने आकर उस वस्तु को ग्रहण करूंगा। और बालकृष्ण लाल जी स्वयं ही अपना एक अलग रूप बनाकर ग्वाल बालों के माध्यम से दी जाने वाली सारी सामग्री को ग्रहण करने लगे। सब ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हुए कि कन्हैया तो बड़ा बुद्धिमान है, इसने ये रहस्य कैसे जान लिया कि गोवर्धन एक देवता है। आज से पूर्व गोवर्धन को सब गोकुलवासी मात्र एक पर्वत, एक पठार ही गिनते थे और तब से जब से प्रभु ने ये गोवर्धन पूजा का प्रक्रम चलाया तब से आज तक गोवर्धन जी की देव रूप में पूजा होती है। जैसे ही इस बात की सूचना देवराज इंद्र को मिली कि गोकुलवासियों ने मेरा तिरस्कार, मेरा अपमान करके एक पर्वत की पूजा की, देवराज इंद्र क्रोधित हो गए क्योंकि अभिमान पहले ही था। जो अभिमानी होता है वह अपने अभिमान की रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार से क्रोध भी दिखलाता है और एक पाप, एक बुराई करने के बाद दूसरी बुराई करने के लिए उतारू हो जाता है। तुरंत ही देवराज इंद्र ने संवर्तक नाम मेघमाला को आदेश दिया कि हे बादलों, आप जाओ और गोकुल, ब्रज, वृंदावन, गोवर्धन आदि के समस्त क्षेत्रों को अपने जल के द्वारा तहस नहस कर डालो। संवर्तक नाम के ये घोर बादल इंद्र की आज्ञा लेकर गोकुल के आसपास की भूमि में वृंदावन में भयंकर वर्षा कर रहे थे। जैसे ही मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई बड़े बुजुर्ग गोकुलवासी ग्वाल बाल कहने लगे कि अरे, आज दिन तक अपनी आयु में हमने इतनी भयंकर वर्षा कभी नहीं देखी। कुछ लोग ये भी कहने लगे कि नंदराय जी ने एक छोटे बालक के कहने में आकर देवराज इंद्र का अपमान कर दिया और अब इंद्र किसी को भी जीवित नहीं छोड़ने वाले, ये इंद्र का ही प्रकोप है सच्चिदानंद भगवान के। बालकृष्ण लाल जी बतलाने लगे कि हे ब्रजवासियों, हे ग्वाल वालों, आप किसी प्रकार से मत घबराओ। यदि देवराज इंद्र हमसे शत्रुता निभा रहे हैं तो जिन गोवर्धन पर्वत की हमने पूजा की है वे देवराज गोवर्धन अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। और बालकृष्ण लाल जी समस्त उन ग्वाल वालों को बुलाते हैं कि हे ग्वाल वालों, आप अपने गायों बछड़ों को एक साथ लाकर गोवर्धन पर्वत के आसपास घेरे में खड़े हो जाओ, गोवर्धन पर्वत से ही हम अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। बालकृष्ण जी के कहने से सब ग्वाल वालों ने वही किया।
सभी ग्वाल बाल एकत्रित हो गए, अपनी गायों बछड़ों को सभी ने इकट्ठा कर लिया और भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं ही अपने हाथ की कनिष्ठिका उंगली से उस गोवर्धन पर्वत को तलहटी से ही उठा लिया और अपनी उंगली पर धारण कर लिया। सब ग्वाल वालों को कहा कि आप गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया में आ जाओ, देवराज इंद्र एवं ये वर्षा का जल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सभी ग्वालवाल गायों बछड़ों सहित उस पर्वत की तलहटी में उसकी छत्र छाया में इकट्ठे हो गए। इंद्र और सांवर्तक पर्वतों उन मेघमालाओं के पास जितना जल था उन्होंने पूरी शक्ति लगाकर पूरा जल बहा दिया, परंतु गोवर्धन पर्वत पर गिरने वाला ये जल उन ग्वाल वालों तक नहीं पहुंच पाया। वे सब सुरक्षित रहे और पर्वत से होता हुआ ये जल दूर समुद्र आदि स्थानों की तरफ निकल गया। किसी ओर से जब ये जल प्रवाह तलहटी में छुपे हुए बैठे हुए गोकुल वासियों की ओर चलने लगा, शेषनाग जी ने अपने विशाल काय शरीर से एक विशाल घेरा बना लिया और गोवर्धन पर्वत के नीचे बैठे हुए सब गोकुल वासियों को घेर लिया। अब शेषनाग की एक दीवार बन जाने से गोकुल वासियों तक थोड़ा भी जल नहीं पहुंच पाया और सब ग्वालवान अब अपने आप को सुरक्षित मानने लगे। जैसे ही सबने देखा कि वर्षा का ये भयंकर जल हमारी ओर नहीं आ पा रहा है तो साधारण से वो ग्वालवाल भी अपने अपने हाथ में जो लगुड़ जो डंडे छड़ियां पकड़ी थी उन सब से उन ग्वालवालों ने पर्वत की तलहटी में एक सहारा लगा दिया कि कन्हैया तुमने अकेले ही कितनी देर से इस पर्वत को धारण किया है, तुम थक गए होंगे, हम आपकी सहायता करते हैं। और अपनी अपनी छड़ियां लगाकर वो ग्वालवाल उस पर्वत को उठाने की एक कोशिश करने लगे। बालकृष्ण लाल जी बतलाना चाहते हैं कि हे मेरे गोकुलवासियों, हे ब्रजवासियों, आपकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ। जैसे ही कुछ बालकों कुछ ग्वाल वालों के मन में कुछ अभिमान तत्व आया, प्रभु ने अपनी अंगुली को थोड़ा सा नीचे कर लिया और ये सब ग्वाल बाल एकदम भयभीत हो गए कि अरे अब हम इस पर्वत को उठा नहीं पा रहे हैं और जल्दी ही इसके नीचे कुछ ले जाएंगे। बाकी सब ग्वाल बाल कन्हैया को ही पुकारने लगे कि कन्हैया रक्षा करो और भगवान कृष्ण ने फिर से उस पर्वत को ऊंचे स्थान पर धारण कर लिया। सच्चिदानंद भगवान के देवराज इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, परंतु बालकृष्ण लाल जी की इस मनोहारी लीला को देखकर देवराज इंद्र का वो अभिमान चूर हो गया और इंद्र स्वयं भगवान कृष्ण की शरण में आ गया। भगवान मानो इंद्र के साथ जो ये लीला प्रभु ने दिखलाई, इससे हम आपको सुशिक्षित करना चाहते हैं कि हे प्राणी, कदाचित तेरे मन में भी कोई अभिमान आदि दोष आ जाते हैं और जब भी ये अभिमान किसी के मन में आता है उसमें व्यक्ति सभी अपने बंधु बांधवों से दूर हो जाता है। भले ही तत्काल उसी समय वो व्यक्ति जान नहीं पाता, परंतु अभिमान क्रोध के कारण घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध, अच्छे से अच्छा रिश्ता भी टूटकर बिखर जाता है। सच्चिदानंद भगवान की और प्राणी समय बीत जाने के उपरांत पछताने लगता है कि अहो मैंने कोई अनुचित कार्य कर दिया, कोई गलत बात कर दी। देवराज इंद्र का अभिमान चूर करके प्रभु गोपियों और सखियों के साथ में एक वस्त्र हरण की लीला रचाते हैं। कुछ सखियां गोपियां भगवती कात्यायनी देवी का व्रत रखती थी और पूजन इत्यादि करके ये सब सखियां नदी जल में निर्वस्त्र स्नान करती थी। भगवान श्री कृष्ण बतलाना चाहते हैं कि कदापि जल के बीच में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, यह दोष पूर्ण है। वे सखियां व्रत तो रखती थी परंतु पूजन क्रम में कुछ त्रुटि कुछ गलती कर बैठती थी। एक समय जब ये सखियां व्रत रखने के उपरांत नदी जल में स्नान कर रही थी, बालकृष्ण लाल जी उस नदी तट तक जा पहुंचे और कन्हैया ने सब सखियों गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, एक वृक्ष के ऊपर जा चढ़े। सच्चिदानंद भगवान के गोपियों ने अनेक भांति अनुनय विनय प्रार्थना की कि हे कन्हैया हमारे वस्त्र हमें लौटा दो,
आप ये किस प्रकार का व्यवहार दिखला रहे हो। परंतु जब तक सब सखियों ने अपना अपराध नहीं माना और दोबारा इस प्रकार की गलती ना दोहराने की बात नहीं कर दी, तब तक कन्हैया ने वस्त्रों उन सखियों गोपियों को नहीं दिए। कुछ अभिमानी कुछ मूर्ख लोग प्रभु की वस्त्र हरण लीला को अनुचित दृष्टि से देखते हैं और ये विचार कर बैठते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं कि वो कैसा भगवान जो किसी स्त्री के किसी देवी के वस्त्रों को चुराए। परंतु वास्तविकता ये है कि भगवान इस समय बाल रूप में है, कोई 7-8 वर्ष की आयु प्रभु की है। और यदि 7-8 वर्ष का कोई बालक इस प्रकार की कोई लीला दिखाए भी तो यह किसी प्रकार से दोषपूर्ण लीला दोषपूर्ण आचरण नहीं माना जा सकता। इसे दोषपूर्ण दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति स्वयं दोषी है, उसकी अपनी नजरों में उसकी अपनी बुद्धि में दोष है। वैसा ही अधार्मिक और पापी व्यक्ति भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाता। इसलिए तो शास्त्रों में बारंबार विद्वान ऋषि मुनि लिखते रहते हैं कि शास्त्रों के गूढ़ तत्व को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, मात्र श्रद्धावान को ही ज्ञान उपदेश करना चाहिए। गीता में भी लिखा है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसके मन में श्रद्धा होगी वही किसी ज्ञान की बात को समझ पाता है, धारण कर पाता है। जो शंका की दृष्टि से, जो मनोरंजन की दृष्टि से शास्त्रों पुराणों की कथाओं को श्रवण करता है, उन पर उंगली उठाता है, वह नीरा मूर्ख ही है, वह पापी ही है। सच्चिदानंद भगवान के बाल कृष्ण लाल जी गोपियों के उन सखियों के उस त्रुटि को सुधार कर जैसे ही विचार करते हैं कि अब मुझे यहाँ ब्रज भूमि में अधिक समय नहीं रहना है, मेरे आगे की जो लीलाएं हैं वो मथुरा नगरी में होने वाले हैं। कि पूर्व जन्म के इन साधकों इन ऋषियों मुनियों जो इसमें ग्वाल वालों गोपियों के रूप में हैं, इन्हें इनकी तपस्या का पूर्ण फल प्रदान करना है। अतः प्रभु एक समय समस्त उन सखियों गोपियों को ब्रजवासिनियों को रास के लिए आमंत्रित करते हैं। सर्व ऋतु की पूर्णिमा को प्रभु ने रास लीला के लिए चुना और जैसे ही वो सर्व ऋतु की पूर्णिमा आई, प्रभु अपने बाल रूप से मधुबन में जाकर अनेक प्रकार से मीठी धुनों के साथ बांसुरी बजाने लगे और इस बांसुरी को सब सखियों गोपियों ने सभी देवताओं ने त्रिलोकी ने सुना। सच्चिदानंद भगवान के संतों ने कुछ भजन लिखा है। सच्चिदानंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की हरिलाल की सोनी सोनी बंसी बजाता हूँ मेरा नटवर कुंदना Thank you.
के घोड़ के जाता हूँ मेरा नटवर कुंडला वाला उस सत ऋतु की पूर्णिमा में रात्रि काल में भगवान श्री कृष्ण जी मधुवन में जाकर मीठी मीठी धुन उस बंसुरी की बजाने लगे और इस बांसुरी की धुन को सुनकर सब की सब सखियां गोपियां अपने अपने घर का सब कार्य छोड़कर तुरंत ही दौड़ पड़ी मधुवन की ओर और जैसे तैसे दौड़ते भागते सब सखियां गोपियां मधुवन में जा पहुंची भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़ी हो गई। भगवान शंकर ने भी जैसे इस धुन को सुना था भगवान शंकर स्वयं कैलाश पर्वत से ब्रजभूमि में इस मधुवन में आना चाहते हैं क्योंकि इस रात के बीच में समस्त देवियों सखियों गोपियों को निमंत्रण था। जितनी भी स्त्री जाति थी सबको रास का निमंत्रण प्रभु ने दिया था। भगवती गौरा मैया इस रास में आ रही थी और भगवान शंकर के मन में इच्छा हुई कि मैं भी इस रास में जाकर स्थान ग्रहण करूंगा। देवी पार्वती भगवान शंकर को रोकते हुए कहती है कि हे प्रभु उस रास में पुरुष का जाना वर्जित है, उसमें केवल स्त्रियां देवियां ही जा सकती हैं। और जैसे इस रास मंडल में प्रभु को घेर कर अनेकों सखियां गोपियां खड़ी हैं भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले इन सखियों गोपियों की परीक्षा लेना चाहते हैं क्योंकि जो भी दीर्घा विमान में अभी मस्त होगा वह उस रास में जाने योग्य नहीं है। बाल कृष्ण लाल जी एकदम निष्ठुर होते हुए कठोर कड़वे वचन कहने लगे कि हे सखियों हे गोपियों तुम इस मध्य रात्रि में अपने अपने घरों को छोड़कर अपने सब काम काज को छोड़कर अपने बाल बच्चों पतियों को छोड़कर यहाँ मुझ पर पुरुष के पास किस लिए आई हो। यह लोक मर्यादा के विपरीत है, ये मर्यादा विहीन है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सखियां गोपियां क्योंकि ये पूर्व जन्मों के ऋषि मुनि थे, ज्ञानी तपस्वी थे, अतः इन सखियों गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की इस बात का उत्तर देना प्रारंभ किया कि हे कन्हैया आप किस बात का उत्तर हम बाद में देंगे, पहले आपसे एक प्रश्न करेंगे। भगवान कृष्ण बोलने लगे कि हाँ कहो आपके मन में कौन सा प्रश्न कौन सी शंका है। किसी चतुर सखी ने प्रश्न किया कि हे कन्हैया आप पहले ये बतलाओ कि कोई स्त्री जो पूर्णतः पतिव्रता है जो अपने पति का दर्शन किए बगैर अपने पति को भोजन खिलाए बगैर अन्न का एक दाना मुख से नहीं लगाती है। माना कि उसी पतिव्रता स्त्री का पति किसी कारणवश किसी कार्य के लिए परदेश के लिए चला जाए तो क्या उस पतिव्रता स्त्री को अपने पति का दर्शन किए बगैर अन्न का भी त्याग करके प्राण त्याग कर देना चाहिए अथवा अपने पतिव्रत उस नियम को त्यागना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बतलाने लगे कि कोई भी नियम कोई भी व्रत मन से होता है, ये मानसिक संकल्प होता है और उस देवी को अपने मन में ऐसा संकल्प करना चाहिए कि मैंने अपने पति की सेवा कर ली। इसके लिए किसी चित्र किसी मूर्ति आदि की सहायता ली जा सकती है कि वह स्त्री अपने पति का कोई चित्र सामने रखे और पूर्ण मनोयोग से उसी चित्र में अपने पति की भावना करके भोजन इत्यादि सेवा प्रदर्शित करें और स्वयं भोजन ग्रहण करें। सखियां फिर कहने लगी कि हे कन्हैया ये भी बात ठीक है परंतु माना कि कभी वो पतिव्रता स्त्री अपने पति के चित्र के सामने खड़ी होकर अपना प्रेम अपना समर्पण प्रदर्शित कर रही हो, उस चित्र की सेवा कर रही हो और उसी क्षण
उस देवी का पति द्वार पर आन पहुंचे तो उस देवी उस स्त्री को क्या करना चाहिए? क्या उसी चित्र की पूजा करनी चाहिए अथवा द्वार पर आए अपने पति का स्वागत करना चाहिए? भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे देवियों, जब वास्तविक पति सामने हो तो जिस स्थान पर ये वर्णन है कि प्रभु राधिका जी को लेकर अन्य स्थान पर चले गए, वहाँ पर कृष्ण जी की प्रिया सखी शब्द आया है और कृष्ण जी की प्रिया सखी श्री राधिका जी। और शास्त्रों में वर्णन है इनको भिन्न भिन्न दृष्टि से देखने वाला ज्ञानी नहीं। इसी कारण तो कुछ लोग ये प्रश्न कर बैठते हैं कि जब नित्य संगिनी श्री राधिका जी हैं, भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेयसी हैं, तो प्रभु ने राधिका जी के साथ विवाह क्यों नहीं किया? प्रभु बतलाते हैं कि विवाह करने के लिए दो प्राणियों का स्त्री और पुरुष का होना आवश्यक है, जबकि राधा और कृष्ण जी मात्र रूप से ही दो दिखते हैं, अंत रूप से एक ही है सच्चिदानंद भगवान की। और कृष्ण और राधा जी गोलोक के नित्य निवासी हैं। उसी गोलोक में राधिका जी ने जिस एक तोते को पाल रखा था, वही तोता सुख मुनि के रूप में अवतरित हुआ था सच्चिदानंद भगवान के। इसी काल सुख मुनि को राधिका जी का नाम सुनने से 6 महीने समाधि लग जाती थी। भागवत में इस कारण से राधिका जी का वर्णन नहीं है। प्रभु अपनी प्रिया सखी को लेकर अन्यत्र स्थान पर चले गए और रास मंडल में भी सब सखियां गोपियां प्रभु के वियोग से दुखी होकर जहां तहां छटपटाने लगी, प्रभु को ढूंढने लगी। कुछ देर बाद सखियों ने पाया कि इस रास मंडल में ना तो कन्हैया है और ना ही राधिका जी। अतः राधिका जी को पुकारते हुए ये सखियां उस मधुबन के आसपास के क्षेत्रों में भगवान को ढूंढने लगी। जैसे ही राधिका जी ने ये देखा कि प्रभु कन्हैया मुझे अकेले ही अपने साथ रास के लिए ले आए हैं और शेष सखियों का प्रभु ने त्याग कर दिया, राधिका जी भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगी। प्रभु कहते हैं कि यदि अभिमान रूपी ये शत्रु मेरे स्वयं के मन में भी आ जाए, राधिका के मन में आ जाए, किसी भी प्राणी के मन में आ जाए, तो वह प्राणी प्रभु से दूर हो जाता है सच्चिदानंद भगवान के। अतः प्रभु ने अपनी प्रिया सखी अर्थात राधिका जी को भी उस वन में अकेला छोड़ दिया। प्रभु अंतर्धान हो गए थे। प्रभु को ढूंढती हुई वो सब सखियां गोपियां राधिका जी को पुकारती हुई उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ राधिका जी अकेली ही विलाप किए जा रहे थे। राधिका जी ने जाना कि सब सखियों गोपियों और स्वयं मुझको भी छोड़कर प्रभु अंतर्धान हो गए हैं, अवश्य ही हमारे मन में कोई दोष कोई पाप आया होगा। अब इन सब सखियों गोपियों ने मन ही मन अपनी गलती को स्वीकारते हुए निर्मल भक्ति से प्रभु को पुकारा और प्रभु सबके सामने प्रकट हो गए सच्चिदानंद भगवान के। कहने का अभिप्राय ये कि प्रभु का सानिध्य कोई प्राणी तभी प्राप्त कर सकता है जब सड़ शत्रु काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या और अहंकार से कोई प्राणी अलग होगा। प्राणी को ध्यान रखना चाहिए, हम आपने अपने अपने जीवन में अवश्य ही कोई ना कोई पाप कर्म किए हैं, अपने अपने पापों का स्मरण होना चाहिए और उनका समय रहते प्रायश्चित भी करना चाहिए। जब जब भी किसी प्राणी ने पाप कर्म किया होता है, ये ही 6 शत्रु मनुष्य के मन पर प्रभावी हुए होते हैं। कदाचित काम ने, कभी क्रोध ने, ईर्ष्या ने, मोह ने अथवा अहंकार ने प्राणी के मन को घेरा होगा और प्राणी अच्छाई को छोड़कर तमोगुणी बनकर कोई ना कोई गलती कर बैठा होगा। और जब भी एक गलती एक पाप होता है, वह एक पाप अपने साथ अन्य बुराइयों अन्य पापों को भी ले आता है। एक पाप करने वाला प्राणी अनेक पाप करने लगता है और पापी बन बैठता है। पापी महान पापी बन जाता है और वैसे महान पापी इस जीवन लीला के समाप्त होने के उपरांत नरक आदि गतियों को प्राप्त होते हैं। प्राणी को चाहिए कि वह शास्त्रों पुराणों से ऋषियों मुनियों के द्वारा लिखे गए इस गूढ़ ज्ञान को सुने, अपने मन में धारण करे और अपने मन से इन शत्रुओं को दूर करे, काम क्रोध आदि का त्याग करे सच्चिदानंद भगवान के। उन सखियों गोपियों ने भी यही किया। भगवान को जब निर्मल मन से पुकारा, भगवान बाकी सबके सामने प्रकट हो गए और वैसे ही अनेक रूप बनाकर
प्रभु सबके साथ रास रचाने लगे। सब उन सखियों गोपियों को प्रभु ने आनंदित कर दिया। भगवान शंकर भी एक गोपी का ही रूप बनाकर साड़ी इत्यादि घूंघट आदि लगाकर गौरव के साथ उस रास मंडल में पधारे थे। लेकिन कन्हैया बड़े छलिया हैं, बड़े चालाक हैं। जैसे ही भगवान शंकर घूंघट ओढ़ कर उस रास मंडल में आए थे, पहली ही दृष्टि से भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान को पहचान लिया था। और भगवान कृष्ण कहने लगे थे कि हे प्रभु, आपका नाम भोलेनाथ है, आप बहुत भोले भाले हो। मुझसे छल कर पाना आपके स्वभाव की बस की बात नहीं। मैं महामायाधिपति हूँ, संसार के साथ मैं छल कर सकता हूँ, मेरे साथ कोई छल नहीं कर सकता। जैसे ही भगवान शंकर घूंघट ओढ़कर और अपना मुख छुपाए कन्हैया के साथ रास नृत्य करने लगे थे, कन्हैया ने भी अत्यंत सुंदर तान उस बांसुरी की छेड़ दी और भगवान शंकर तुरंत ही अपनी शुद्ध बुद्ध अपनी याद खो बैठे। भगवान शंकर एकदम से मग्न हो गए और ये भूल गए कि मैं एक साड़ी लगाकर गोपी का रूप बनाकर इस रास मंडल में आया हूँ। और नृत्य करते हुए प्रभु की वो साड़ी वो घूंघट सब अलग बिखर गए और भगवान श्री कृष्ण जी भगवान शंकर को देखकर मुस्कुराने लगे कि प्रभु, मेरे साथ छल नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर ने जब ये दृश्य देखा, बड़े लज्जित होने लगे कि हे प्रभु, मैंने आपके साथ छल करना चाहा था, परंतु ये सब आपका सानिध्य आपका साथ प्राप्त करने के लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने उसमें भगवान शंकर को आशीर्वाद दिया था कि हे प्रभु, आज के उपरांत आप गोपेश्वर महादेव के नाम से इसी ब्रजमंडल इसी मधुबन में स्थापित हो जाएंगे और अर्ध नारेश्वर रूप से गोपेश्वर महादेव से आज भी प्रभु का शिवलिंग वृंदावन में उस मधुबन में है। जो भी प्राणी वहां जाकर अपने मन की कोई फरियाद केवल सात्विक प्रार्थना करता है, वह अवश्य परमात्मा पूर्ण करते हैं सच्चिदानंद भगवान के। अर्थात प्राणी यदि कोई गलती करे भी, अपनी गलती को तुरंत मान लेना चाहिए। यदि प्राणी अपनी गलती को न माने तो क्रोध अभिमान आदि का सहारा लेता है, क्रोध आदि करके अपनी गलती को छिपाना चाहता है। एक गलती तो छुपती नहीं, दूसरी तीसरी चौथी और प्राणी कर देता है। गलतियों का पुतला होता है मनुष्य, गलतियां होती रहती हैं, परंतु परमात्मा के द्वारा बनाए गए सब जीवों में भी सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान विवेकवान मनुष्य ही होता है। विवेकवान ज्ञानी उसी को कहा जाएगा, या तो जो गलती ना करे, या फिर यदि गलती हो जाए तो अपनी गलती अपने अपराध को स्वीकार भी करे, उसका प्रायश्चित करे। अपनी गलती को स्वीकारना और दोबारा गलती ना करने की चेष्टा करना प्रण करना ही प्रायश्चित कहलाता है सच्चिदानंद भगवान के। ज्ञान की बातें सुनते हुए निद्रा देवी आने लगी, क्या बात हुई? आप भागवत की कथाओं को केवल नृत्य गान का ही माध्यम न जाने और रास का वर्णन करना दो चार भजनों का गायन कर देना नहीं होता है। रास का वर्णन अर्थात संपूर्ण उस भावना को उस तत्व को प्रकट करना होता है, ताकि प्रत्येक प्राणी के मन से यदि किसी प्रकार की कोई शंका हो तो वो दूर हो जाए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान श्री कृष्ण ने रास इत्यादि करके रास लीला करके सब उन सखियों गोपियों को आनंदित कर दिया और अब प्रभु जानते भी हैं कि अब मथुरा गमन का भी समय हो रहा है। कंस ने अनेकों अपने सेवक पहरेदार प्रभु को मारने के लिए भेजे, परंतु कोई सेवक कोई राक्षस प्रभु का बाल तक बांका नहीं कर पाया। मृत्यु से प्रेरित होकर कंस के मन में ये विचार आया कि मैंने एक एक करके अपने असंख्य वीर गोकुल में ब्रज में वृंदावन में भेजे, परंतु अकेले अकेले वे राक्षस भी उन बलराम और कृष्ण के द्वारा मार डाले गए। कंस अब तक ये जान चुका था कि नंद राय का पुत्र कृष्ण ही देवकी की आठवीं संतान है और वासुदेव ने मेरे साथ छल किया था। कंस ने अपने मुख्य सहयोगी राक्षस मित्रों के साथ योजना बनाई कि यदि अकेला अकेला हमारा कोई देव कृष्ण और बलराम को मारने के लिए जाता रहा
तो अपने मनोरथ में कभी सफल नहीं हो पाएगा। यदि तो हम सब राक्षस वीर मिलकर कृष्ण और बलराम को धोखे से मथुरा में बुला लें तो सब मिलकर अवश्य ही उन दोनों का वध कर डालेंगे। प्रभु की आयु दिनों दिन बढ़ती हुई 11 वर्ष के आसपास हो रही है। 11 वर्ष 56 दिन तक प्रभु गोकुल में और ब्रज में रहे थे। 11 वर्ष 56 दिन के उपरांत प्रभु मथुरा के लिए रवाना हो गए थे। उन राक्षसों ने कंस के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हे राजन, आप किसी तरीके से कन्हैया को और बलराम को मथुरा में बुलाओ। इसके लिए आपको जो कोई भी छल करना पड़े आप करो, परंतु आपके हत्यारे का वध करने के लिए ये कार्य करना आवश्यक है। कंस को भी ये योजना बड़ी अच्छी लगी। कंस विचार करने लगा कि कन्हैया और बलराम को मथुरा बुलाने के लिए अवश्य कोई षड्यंत्र कोई बुरी योजना रचनी पड़ेगी। राजा कंस ने निर्णय किया कि हम किसी यज्ञ आदि का नाम लेकर नंदराय जी को उनके बालकों से यहाँ बुलाएंगे और साथ में ये भी कहेंगे हमने यहाँ एक यज्ञ रचाया है, आप गोकुल वासियों से इस यज्ञ में पधारें और पुरानी शत्रुता को भूलकर नए रूप से नैतिक वंश स्थापित करें। सच्चिदानंद भगवान के इस कार्य के लिए राजा कंस चाहता है कि कोई ऐसा स्वाभिमानी कोई सत्संगी व्यक्ति हो जिसका वे गोकुलवासी ब्रजवासी विश्वास कर सके। मथुरावासी पढ़े लिखे अवश्य थे, राजकुल से थे, परंतु केवल शब्दों का अक्षरों का ज्ञान था, भावनाओं का और वास्तविक जो ज्ञान था उसकी बहुत कमी थी। अक्रूर जी यदुवंशी ने मथुरा में ऐसे थे जो कि बड़े सत्संगी थे, लोग इनका भरोसा विश्वास करते। कंस ने भी विचार किया कि यदि किसी प्रकार से अक्रूर जी को संदेश वाहक बनाकर भेजा जाए तो गोकुलवासी और नंदराय इत्यादि अक्रूर जी की बात को अवश्य स्वीकारेंगे, विश्वास करेंगे सच्चिदानंद भगवान की, और अपने बालकों कृष्ण तथा बलराम के साथ अवश्य मथुरा में पधारेंगे। अक्रूर जी को बुलाकर कंस ने आज्ञा दी कि आप जाओ और नंदराय जी को उनके बालकों सहित मथुरा आने का निमंत्रण दो। अक्रूर जानते थे कि कंस के मन में कौन सी बुरी चाल चल रही है। पहले तो अक्रूर जी ने विचार किया कि मैं किसी भी शर्त पर गोकुल में ब्रज में नहीं जाऊंगा, अन्यथा ये दुष्ट नंदराय के बालकों का वध कर डालेंगे। फिर विचार किया अक्रूर जी कि यदि मैं इनकार करता हूँ तो राजा कंस किसी दूसरे संदेश वाहक को भेज देगा और बालकृष्ण लाल जी के साथ नंद राय जी के साथ अवश्य छल कर देगा। अक्रूर जी ने विचार किया कि मैं यहाँ से कंस का संदेश वाहक बनकर अवश्य ब्रज में जाऊंगा, परंतु समय रहते कन्हैया को बलराम को नंद राय को कंस की इस योजना के बारे में सूचित कर दूंगा ताकि वे अपनी सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध कर सकें। अक्रूर जी ने यही किया और अक्रूर जी मथुरा से ब्रजभूमि की तरफ जा बढ़े। जैसे ही यमुना पार करके ब्रजमंडल में अक्रूर जी पहुंचने लगे, उस ब्रजभूमि में प्रत्येक छोटे छोटे नन्हे पांव के निशानों को देखकर अक्रूर जी उन स्थानों से मृदा मिट्टी को उठा लेते हैं और अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। मन में ये विचार रखते हैं कि अवश्य ही ये चरण चिन्ह ये पांव के निशान मेरे कन्हैया के होंगे, सच्चिदानंद भगवान के। चलते चलते अक्रूर जी को सायंकाल हो गया। अक्रूर जी ने विचार किया कि मैं सीधे नंद भवन में नहीं जाऊंगा, यह समय गऊ को गौशाला में बांधने का होता है, गौचारण के उपरांत अवश्य ही कन्हैया और बलराम इसमें गौशाला में ही आएंगे, मैं वहीं पर सारी बात की सच्चाई बताऊंगा। सायंकाल होते ही जैसे ही प्रभु बलराम जी के साथ उन गायों बछड़ों को हांकते हुए गौशाला में पहुंचे, अक्रूर जी मन में बड़े चाव से विचार करते होंगे। अक्रूर जी को भी यह जानकारी है कि कन्हैया वास्तव में नंदराय जी का पुत्र नहीं अपितु देवकी और वसुदेव की आठवीं संतान है और देवकी की आठवीं संतान का जन्म ही संसार की भलाई के लिए और कंस की मृत्यु के लिए हुआ है, ये परमात्मा तत्व है, ऐसा अक्रूर जी को ज्ञान है। अक्रूर जी विचार करने लगे
कि परमात्मा रूप में तुम्हें कन्हैया को जानता हूँ मानता हूँ, परंतु लौकिक रिश्ते से लौकिक नाते से मैं कन्हैया का चाचा भी लगता हूँ। क्या कन्हैया मेरे इस लौकिक रिश्ते को भी स्वीकार करेंगे? क्या भी मुझसे गले मिलेंगे? ऐसी अनेकों प्रेम की भावनाएं अक्रूर जी के मन में चल रही है। जैसे ही अक्रूर जी ने कन्हैया एवं बलराम को गौशाला में आया देखा, अक्रूर जी परमात्मा रूप मानकर कन्हैया के और बलराम के चरणों में गिर पड़े। और कन्हैया, क्योंकि अभी तक कन्हैया ने अक्रूर जी को पहचाना नहीं है, वे मनुष्य लीला नर लीला रचा रही है, फिर चरणों में गिरे हुए अक्रूर जी को उठाकर कन्हैया पूछते हैं कि हे पथिक, हे राहगीर, आप कौन हैं और मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? अक्रूर जी ने बतलाया कि हे कन्हैया, मैं यदुवंशी अक्रूर हूँ। जैसे ही कन्हैया ने यह बात सुनी कि अक्रूर जी यदुवंशी हैं, अब कन्हैया जी लज्जा का अभिनय करते हैं और अक्रूर जी के चरणों में गिर पड़े और चाचा चाचा कहकर अक्रूर जी को पुकारने लगे। कहने का भाव ये कि सच्चे मन से परमात्मा के साथ जो प्राणी कोई सा भी रिश्ता रखता है, परमात्मा अवश्य उस रिश्ते को स्वीकार करते हैं और उस रिश्ते को निभाते हैं, बशर्ते मनुष्य का वो रिश्ता काम क्रोध आदि से भिन्न हो, अलग हो। सच्चिदानंद भगवान की और आपको और आपके पुत्रों को छठ पूर्वक मथुरा नगरी बुलाना चाहता है। इतना कहने के उपरांत अक्रूर जी को याद आ गई कि कन्हैया ने मुझे क्या समझाया था। अक्रूर जी ने बात बदलते हुए कहा कि हे नंदराय जी, उस दुष्ट के मन का क्या बता, वैसे तो उसने पुरानी शत्रुता को भुलाकर नई मित्रता स्थापित गोदी में पकड़ लिया और दुलार पे पुचकारते हुए कहने लगे कि मैं अपने कन्हैया को कहीं नहीं जाने दूंगी। कन्हैया अब कठोर वचन कहने लगे, कुछ कड़वे वचन कहने लगे। कन्हैया कहने लगे कि हे माते, आज दिन तक हमसे ढेरों काम आपने करवाए, हमने भूखे प्यासे रहकर आपकी गायों को दिन भर धूप में चराया और आज जब भाग्य से कहीं नगर प्रदेश में घूमने के लिए भ्रमण करने के लिए हमें मौका मिल रहा है तो आप व्यर्थ हो गए कि हे पुत्र, सुबह बलराम के साथ अपने पिता के साथ अन्य ब्रजवासियों के साथ आप मथुरा के लिए चले जाना, परंतु जैसे ही सुबह हुई माता यशोदा के मन में वो ममता वो मोह फिर से जाग उठा और फिर माता यशोदा इनकार करने लगी। यहाँ दूसरी तरफ नंदराय जी और अक्रूर जी मथुरा गमन की तैयारियां करने लगे। जैसे जैसे सखियों गोपियों को पता चलता गया कि कन्हैया हमें छोड़कर अचानक मथुरा जाने वाले हैं, सब सखियां गोपियां कन्हैया को और बलराम जी को रास्ते में रोकने के लिए तैयार होकर खड़ी हो गई। जैसे ही प्रभु माता यशोदा से जिस किसी प्रकार विदा लेकर रथ के ऊपर सवार हुए, कुछ ग्वालवाल और बलराम जी कन्हैया के साथ थे। सखियों गोपियों ने रथ का रास्ता रोक दिया और कन्हैया को पुकारते हुए कहने लगी कि हे कन्हैया, तुम कितने निष्ठुर कितने निर्दयी हो, अचानक से हमारे साथ आज दिनों तक इतना प्रेम व्यवहार इतनी मित्रता रखी इतना अपनापन निभाया और अब हमसे बिना पूछे हमें बिना बताए आप हमें छोड़कर जा रहे हो। सखियां कहने लगी कि हे कन्हैया, आपके बिना हम किसी प्रकार से जीवित नहीं रहेंगे। कन्हैया कहने लगे कि हे देवियों, मैं कुछ ही दिनों के लिए मथुरा भ्रमण के लिए जा रहा हूँ, वापिस लौटकर अवश्य आऊँगा। अब कुछ चतुर सखियाँ ये भी कहने लगी कि हे कन्हैया, हम जानते हैं कि मथुरा नरेश कंस आपका वध करना चाहता है। हे कन्हैया, यदि आपको कुछ हो गया तो आपके पीछे हम अकेले यहाँ कैसे जिएंगे, हम भी आपके बिना यहाँ तड़फ तड़फ कर मर जाएंगे। वास्तव में ये भावना ये प्रेम आत्मा और परमात्मा का है, ना कि किसी साधारण स्त्री का किसी साधारण पुरुष का। सच्चिदानंद भगवान के कन्हैया कहने लगे कि हे देवियों, मेरे मन में बस तुम्हारा ही वास है, यदि आपने अपने प्राणों की सुरक्षा कर ली तो ये समझ लेना तुम्हारे कन्हैया के प्राण भी सुरक्षित हैं, और यदि किसी प्रकार रुदन करके विलाप करके आपने अपने आप को कष्ट में डाला, समझ लेना
तुम्हारे कन्हैया के ऊपर महान विपत्ति तुमसे पहले ही आन पड़ेगी। सच्चिदानंद भगवान के भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी अर्थात श्री राधिका जी भी भगवान के सामने जाकर खड़ी हो गई। अन्य सखियों गोपियों ने तो कुछ ना कुछ अपने मन की बात कही। राधिका जी केवल अश्रु बहा रही हैं, कन्हैया की ओर देख रही हैं, बोल कुछ नहीं रही है। जैसे ही कन्हैया ने श्री राधिका जी का ये भावना देखी, ये व्यवहार देखा, कन्हैया तुरंत द्रवित हो गए। वास्तव में जो अपने हक को मांगता है भले ही उसे अपना हक मिल जाए, परंतु जो मौन रहकर अपने हक की प्रतीक्षा करता है वैसा प्राणी परमात्मा को बड़ा प्रिय होता है। कन्हैया तुरंत आगे बढ़कर श्री राधिका जी को समझाते हुए कहने लगे कि हे राधे, तुम इस लोक लीला में क्यों डूबी हुई हो? आप अपने मन से इस सांसारिक दृष्टि को हटा लो और अपने वास्तविक स्वरूप को याद करो। याद करो कि गोलोक धाम से हम किसलिए इस पृथ्वी पर इस धरा पर अवतरित हुए हैं। हे राधिके, अब उस महान कर्तव्य को पूर्ण करने का समय आन पहुंचा है। हे राधे, आप भी अन्य गोपियों की भांति मेरे इस कर्तव्य पालन में कोई बाधा मत डालो। सच्चिदानंद भगवान के संतों ने एक भजन लिखा है, भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका जी को समझा रहे हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैं तगड़ मथुरा जो I'm
बोलिए श्री वन के बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका जी के माध्यम से उन सब सखियों गोपियों को भी समझाने लगे कि हे राधे, एक समय पूतना ने मेरे साथ छल किया था और मुझे मारने के लिए दूध का बहाना लेकर मुझे विषपान करवाया था। मैंने उस पूतना राक्षसी को अच्छा सबक सिखा दिया है। ये देवी, ये सखियों, आप मेरी मृत्यु से मत घबराओ, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मामा कंस ने भी मेरा वध करने के लिए मेरे साथ छल करना चाहा है और किसी यज्ञ आदि का नाम लेकर मुझे यज्ञ का निमंत्रण देकर मुझे मारने के लिए बुलाया है। मैं उस दुष्ट कंस को उसकी दुष्टता की सजा देने के लिए जा रहा हूँ। और हे देवी, इससे भी महत्वपूर्ण कार्य ये है कि मेरे माता पिता देवकी एवं वसुदेव जी मथुरा की कारागार में कई वर्षों से बंद पड़े हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत प्रकार से कष्ट हो रहा है। साथ उस रथ पर सवार होकर मथुरा नगरी की तरफ यमुना तट की तरफ बढ़ गए। जब तक उस रथ से उड़ने वाली धूल भी उन सखियों गोपियों माता यशोदा को दिखती रही, तब तक वे सब ब्रजवासी गोकुलवासी कन्हैया को ढूंढते हुए कन्हैया की जाने वाली दिशा में देखते रहे। और जब रथ से उड़ी हुई वो धूल भी शांत होकर बैठ गई, सब के सब वो ब्रजवासी, वो प्रभु के प्रेमी भक्त मूर्छित होकर भूमि के मेरे पीछे मेरे बहुत से मित्र, मेरे प्रेमी सज्जन, मेरे भक्त मुझे याद करते हैं। कर्तव्य निभाने के लिए प्रभु आगे अवश्य बढ़ गए, परंतु अपने इन कन्हैया अकेले बैठे थे और ब्रजवासियों को याद करते हुए अश्रु बहा रहे थे। नंदराज जी कहने लगे कि हे पुत्र, चलो और चलकर भोजन कर लो। कन्हैया कहने लगे कि हे पिताश्री, मुझे पक्का विश्वास है मेरे बिछोह में, मेरे बिछोड़ी में आज किसी भी ब्रजवासी ने एक कौर एक निवाला तक भोजन का नहीं खाया होगा। जब मेरे लिए कोई भोजन का त्याग कर रहा है, मैं भी कैसे भोजन खा सकता हूँ। कन्हैया इनकार कर गए। नंदराज जी बतलाने लगे कि हे पुत्र, तुम्हारी माता ने मुझसे ये विशेष निवेदन किया है, ज्यादा नहीं तो एक कौर एक निवाला ही चलकर भोजन का कर लो। कन्हैया विचार करने लगे कि मुझे एक कौर एक निवाला अवश्य भोजन का कर लेना चाहिए, क्योंकि जब परमात्मा को भोग लग जाता है तो परमात्मा के भक्त अवश्य ही संतुष्ट हो जाते हैं। सच्चिदानंद भगवान की। कन्हैया ने एक निवाला भोजन कर लिया। रात्रि को इसी स्थान पर इन सब ने विश्राम किया। अगली सुबह नंदराय जी और अक्रूर जी मथुरा भूमि की ओर बढ़ने लगे। अक्रूर जी इसमें यमुना में स्नान करने लगे। मन के बीच में एक शंका भी है कि कन्हैया का वास्तविक रूप न जाने क्या होगा, कहीं राजा कंस कन्हैया का वध न कर डाले। जैसे ही अक्रूर जी इस यमुना में डुबकी लगाते हैं, अक्रूर जी को जल के बीच में भी कन्हैया की परछाई, कन्हैया का रूप दिखने लगा। और जैसे ही जल के बाहर अक्रूर निकले, किनारे पर भी कन्हैया दिख रहे हैं। बारंबार अक्रूर जी ने कन्हैया के दर्शन जल और जल के भीतर और जल के बाहर किए। अब अक्रूर जी को ये विश्वास हो गया कि यही साक्षात परमात्मा है, मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। नंदराय जी इन सब बालकों के साथ, ग्वालों के साथ अब मथुरा भूमि की ओर बढ़ने लगे। नंदराय एवं अक्रूर समझाने लगे कि हे बालकों, अब हमारी ब्रज भूमि यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम ब्रज के वासी अनपढ़ और गवार हैं। भले ही हम पढ़ना लिखना नहीं जानते, परंतु एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे से प्रेम रखना हम भली प्रकार से जानते हैं। और मथुरा के नगरवासी
ये साक्षर और पढ़े लिखे लोग हैं, ये शब्दों अक्षरों का ज्ञान तो जानते हैं, परंतु प्राणी से मनुष्य से प्रेम रखना, उसका सम्मान करना, ये नहीं जानते हैं। वास्तव में इस लीला से ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो प्राणी अपने आप को अधिक ज्ञानी मानता है, ज्ञान के सिलसिले में ज्ञान में उलझकर वह भक्ति को भूल जाता है। ज्ञान मार्ग से परमात्मा को प्रसन्न करना, उन्हें प्राप्त करना बड़ा कठिन है, क्योंकि ज्ञानी को अभिमान भी साथ साथ मिल जाता है। कोई बिरला तिरला ही ज्ञानी ऐसा होता है जिसे अपने ज्ञान का अभिमान नहीं होता। और यदि मन के बीच में भक्ति हो तो अनपढ़ और गवार उन ग्वालियों उन सखियों गोपियों ने भी परमात्मा को प्रसन्न कर लिया, उन्हें प्राप्त कर लिया था सच्चिदानंद भगवान की। अर्थात प्रभु की प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। जैसे किसी माता के लिए अपना शिशु अति प्रिय और ध्यान रखने योग्य होता है, वैसे ही परमात्मा अपने सब भक्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं। जैसे माता अपने पुत्र के सब अपराधों को क्षमा करती है और किसी नुकसान आदि से बचाने के लिए मानो छोटा बच्चा अग्नि की तरफ हाथ बढ़ाए तो माता तुरंत सावधानी से बालक को पीछे हटा लेती है, क्योंकि माता को पता होता है कि बालक मेरे ही सहारे अपना जीवन जी रहा है, इसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी है। वैसे ही वह परमात्मा अपने भक्तों की सब गलतियों को क्षमा कर देते हैं, बारंबार उन्हें समझा देते हैं। जो भक्त होते हैं और जो ज्ञानी होते हैं वे माता के किसी बड़े पुत्र के समान होते हैं। जैसे किसी माता का पुत्र जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, माता का प्रेम बच्चे के लिए वैसा ही रहता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। परंतु जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो माता एक प्रकार से जिम्मेवारियों से कुछ हल्की हो जाती है कि मेरा पुत्र स्वयं समझदार है, अब गिरने से अग्नि से जलने से या अन्य अन्य नुकसानों से ये स्वयं बच सकता है। वैसा परमात्मा ज्ञानी को अपनी सुरक्षा करने के लिए स्वयं आश्रित छोड़ देते हैं। भक्त के लिए प्रभु उस माता के समान चिंतित रहते हैं। सभी प्राणियों को भक्ति मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान तत्व जितना मिल जाए उतना कम, परंतु ज्ञान का अभिमान कदापि नहीं होना चाहिए। बाल कृष्ण लाल जी एवं अन्य इन ग्वाल वालों को समझाते हुए नंदराय जी कहने लगे कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, ये भावनाओं को और प्रेम को नहीं समझते, यहाँ कोई उल्टा सीधा कोई शरारत मत कर बैठना, क्योंकि ज्ञानी लोग ज्ञान के अभिमान में न जाने किस प्रकार का कठोर व्यवहार कर बैठे। कन्हैया मन ही मन विचार करने लगे कि हे पिताश्री, हमने आज तक कोई उल्टा काम किया ही नहीं। हाँ, मथुरा में आकर दो चारों को सीधा करना है, वो तो हम अवश्य करेंगे। अब नंदराय जी एवं अक्रूर जी से ये बालक थोड़ी देर यहाँ मथुरा नगरी में भ्रमण करने की आज्ञा मांगते हैं। नंदराय जी ने अक्रूर जी ने समझा कर भेज दिया कि बालको आसपास में आप मथुरा नगरी का भ्रमण कर लो, यहाँ के स्थानों को देख लो। कन्हैया अपनी मित्र मंडली के साथ मथुरा की इस नगरी में घूमने लगे। कन्हैया के मित्र कहने लगे कि हे कन्हैया, हमारे पास अच्छे सुंदर वस्त्र आभूषण नहीं है, ना तो हमने अपना अच्छा बनाव श्रृंगार ही किया है, क्योंकि मथुरा नगर के लोग इनके वस्त्र बड़े अच्छे होते हैं, आधुनिक वस्त्र हैं और इनका बनाव श्रृंगार की तरफ विशेष ध्यान होता है। ये ग्वालवाल अपने आप को गांव का गंवार समझकर अपने आप में कुछ लज्जा करने लगे कि हमारे वस्त्र भी अच्छे नहीं, हमारा पहनावा अच्छा नहीं। कन्हैया विचार करते हैं कि हे मित्रों, आज जो भी भावना तुम अपने मन में रखोगे संपूर्ण तुम्हारी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण कर दूंगा। कन्हैया बढ़ते हुए आगे एक धोबी से भेंट करते हैं। ये धोबी त्रेता युग का वो धोबी है जिसने माता सीता की निंदा की थी। उसमें प्रभु रामचंद्र ने उस धोबी को कोई सजा कोई दंड नहीं दिया था, परंतु उस अपराध की सजा आज द्वापर काल में द्वापर युग में प्रभु देने वाले हैं। कन्हैया इस धोबी से कहने लगे कि हे महाराज धोबी, आपके पास बहुत से वस्त्र हैं, कुछ वस्त्र मुझे और मेरे मित्रों को भी दे दो, हम भी ऐसे नए वस्त्र धारण करना चाहते हैं।
उस धोबी ने इन बालकों को देखते ही पहचान लिया कि ये कोई गांव के गवार बालक हैं। धोबी अभिमान पूर्वक कहने लगा कि अरे मूर्खो, तुम कहां से मथुरा में आ गए? तुम ये भी नहीं जानते कि मैं राजा कंस का राजकीय धोबी हूँ? तुम भी मूर्ख, तुम्हारे माता पिता भी मूर्ख, जिन्होंने तुम्हें कुछ नहीं सिखलाया। भगवान, आज इस धोबी का कोई अपराध क्षमा नहीं करने वाले। कन्हैया आगे बढ़े और एक जोरदार प्रहार इस धोबी के ऊपर कन्हैया ने किया। धोबी का कल्याण हो गया। सच्चिदानंद भगवान के सब बालकों ने अपनी अपनी मर्जी के वस्त्र छांट लिए। अब कहां राजा कंस के वो लंबे लंबे वस्त्र कुर्ते धोतियां और कहां ये छोटे छोटे बालक। परंतु नए वस्त्रों का शौक था, इसलिए जिस बालक ने राजा कंस का वो कुर्ता पहन लिया, धोती पहनने की भी आवश्यकता नहीं समझी सच्चिदानंद भगवान की। और मार्ग में झाड़ू लगाते हुए वस्त्रों से ये बालक कन्हैया के पीछे पीछे चलने लगे। आगे कन्हैया देखते हैं कि मेरे मित्रों ने नए वस्त्र तो धारण कर लिए, परंतु इनका परिमाप अच्छा नहीं। कन्हैया एक दर्जी के साथ भेंट करते हैं। ये दर्जी मथुरा में रहता है, परंतु भगवान कृष्ण का बड़ा प्रेमी है। जिस समय कन्हैया का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, किसी सत्संगी किसी गुरु से इस दर्जी ने सुन रखा था कि देवकी के यहाँ परमात्मा का अवतार होने वाला है, जो कि समस्त पृथ्वी वासियों को, मथुरा वासियों को कंस की दुष्टता से, आतंक से मुक्ति देने वाला है। इस दर्जी ने प्रेम और भक्ति में आकर उसी दिन कन्हैया का ध्यान करते हुए एक वस्त्रों का जोड़ा तैयार किया था। आज प्रभु जैसे इस दर्जी के पास पहुंचे, प्रभु कृपा से ये दर्जी पहचान लिया। अब कुब्जा नाम के अपने भक्त की ओर बढ़ते हैं। ये कुब्जा राजा कंस के लिए रोज ही चंदन घिसकर ले जाते थे। मन ही मन भगवान कन्हैया को पुकारते थे, इन्हीं की भक्ति करते थे। कन्हैया आगे बढ़े और इस बुढ़िया, इस कुबड़ी जिसका नाम ही कुब्जा पड़ गया है, इसे सुंदरी कहकर भगवान कृष्ण जी पुकारते हैं। जैसे ही इस कुब्जा ने इन बालकों को देखा, इस कुब्जा को आज तक जितने भी मथुरा वासी थे सब कुबड़ी कुबड़ी कहकर चिढ़ाते थे। ये किसी की बातों की तरफ ध्यान नहीं देते थे। आज जब इन गांव के ग्वाल वालों को उस कुब्जा ने देखा और ये जाना कि आंसू आ गए कि यहाँ मथुरा के लोग तो चिढ़ाने वाले थे ही, ये गांव से कहीं से बालक आए हैं, ये भी उस कुबड़ी और बूढ़ी स्त्री को सुंदरी कहकर पुकार कर अपमान ही कर रहे हैं। कन्हैया जान गए कि कुब्जा के मन में क्या चल रहा है। कन्हैया आगे बढ़े और कहने लगे कि हे देवी, मैं तन की सुंदरता को नहीं देखता हूँ, मैं तो केवल मन की सुंदरता को देखता हूँ। और हे देवी, तुम्हारा मन बड़ा ही सुंदर है, ये बड़ा कोमल और दयालु है, ऐसे मन वाले प्राणी ही मुझे पसंद है। और रही बात तुम्हारे इस शरीर की, यदि तुम इस शरीर के कुबड़ा और बूढ़ा हो जाने से परेशान हो और लज्जित महसूस करती हो, तो इसका भी मैं उपाय कर देता हूँ। कन्हैया ने अपने पांव की अंगूठे से कुब्जा के पांव की अंगूठे को दबाया और अपने हाथ से कुब्जा की ठुड्डी के ऊपर हल्का सा प्रहार किया और कुब्जा मानो कोई सोर्स वर्षीय सर्वांग सुंदरी के रूप में बदल गई हो। सच्चिदानंद भगवान के अर्थात प्रभु के सामने जो कोई हम सच्चे मन से प्रार्थना फरियाद करें, प्रभु अवश्य स्वीकार करते हैं। परंतु लालची और ईर्ष्यालु बनकर, क्रोधी बनकर प्रभु के सामने ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। यदि क्रोध लालच मन में आए, उस समय अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरे इस क्रोध को, मेरे इस लालच को, इस बुरी भावना को मेरे मन से दूर कर दो, ना कि किसी दूसरे की कोई बुराई के लिए कुछ मांगना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान की अब इस कुब्जा ने, जो कि सर्वांग सुंदरी बन चुकी है, हाथ में जो जितना चंदन था उस सारे चंदन से इन सब ग्वाल वालों का श्रृंगार किया। अब इन ग्वाल वालों का मन बड़ा हर्षित, बड़ा प्रसन्न हो गया कि हे कन्हैया, अब आनंद आया शहर में, नगर में भूलने का, चलो किस ओर बढ़ना है। अब कन्हैया अपनी इस मित्र मंडली के साथ उस धनुष यज्ञशाला में गए, जो धनुष कंस को भगवान शंकर से मिला था और भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था कि पृथ्वी का बड़े से बड़ा वीर इस धनुष को तोड़ नहीं पाएगा।
जब तक ये धनुष नहीं टूटता ये धनुष सुरक्षित है, राजा कंस तुम भी सुरक्षित रहोगे। बड़ी ही ध्यान से इस धनुष की सुरक्षा करना, जब ये धनुष टूट जाएगा समझ लेना कि तुम्हारी भी मृत्यु का समय नजदीक ही है। कन्हैया इसी धनुष यज्ञशाला की तरफ बढ़े, बहुत से पहरेदार इस धनुष की पहरेदारी कर रहे थे। कन्हैया जैसे तैसे धनुष तक जा पहुंचे, जब इन पहरेदारों ने पूछा कि तुम कौन गंवार बालक हो जो बिना आज्ञा इस धनुष की ओर बढ़ रहे हो, जानते नहीं ये राजा कंस का धनुष है और इसकी विशेष सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। कन्हैया मानो अब किसी की नहीं सुनते हैं। कन्हैया सबको पहरेदारों को कहने लगे कि अरे मुझको अब इस धनुष के टूट जाने का समय आ चुका है, तुम्हारा राजा कंस अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। कुछ पहरेदारों ने कन्हैया तथा इन बालकों के ऊपर आक्रमण कर दिया। कन्हैया ने तुरंत आगे बढ़कर इस धनुष को तोड़ डाला। एक टुकड़ा कन्हैया ने, दूसरा टुकड़ा बलराम ने पकड़ा और बड़े बड़े जो पहरेदार सेवक वहां थे उन सबको मार भगाया। कुछ मारे गए, कुछ लंगड़े लूले होकर राजा कंस के तक पास पहुंच गए और सूचना दे दी कि राजन आपका रखा गया वो धनुष टूट चुका है सच्चिदानंद भगवान के। राजा कंस इस बात को सुनकर घबरा उठा क्योंकि इसे पता था कि धनुष टूटने के बाद मेरे प्राण पर संकट आन पहुंचेगा। इस धनुष को तोड़कर प्रभु अपने मित्र मंडली के साथ वापिस नंदराय एवं अक्रूर जी के रथ के पास पहुंच गए। अब यहां से कन्हैया अपने इस मित्र मंडली के साथ राजा कंस की उस यज्ञशाला उसकी शाला की तरफ बढ़ने लगे जहां पर कि राजा कंस ने एक विशाल अखाड़े का आयोजन प्रबंध किया था, स्वयं के लिए एक ऊंचा सिंहासन लगाया था। उस अखाड़े के चारों ओर राजा कंस के सब वो दुष्ट राक्षस मित्र बैठे थे। प्रजाओं के लिए, साधारण जनता के लिए ऊंची अटालिका शिखरों का और भवनों का निर्माण किया गया था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी अपने मित्र मंडली के साथ उस कुश्ती यज्ञशाला की तरफ बढ़ने लगे, दरवाजे फाटक के ऊपर ही राजा कंस ने योजना बनाकर कुबलय वीर नामक हाथी को मदिरा पान करके मतवाला कर रखा था। पहली योजना ये थी कि जैसे ही नंदराय के पुत्र कन्हैया और बलराम इस दरवाजे तक पहुंचेंगे, इस मतवाले हाथी के पांव तले कुचलवा कर उनका वध किया जाएगा। यदि वहां से बच जाए तो आगे अन्य पहरेदार सेवक घात लगाए बैठे थे। जैसे ही कन्हैया उस द्वार तक पहुंचे, उस हाथी वाले हाथी को हांकने वाले ने उस कुबले फिर हाथी को आगे कर दिया और भगवान कृष्ण बलराम जी को कुचलने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण ने सूंड से ही उस कुबले फिर हाथी को पकड़ा और आकाश में उछाल दिया सच्चिदानंद भगवान के। साधारण प्रजा जो दुष्ट लोग थे इस दृश्य को नहीं देख पाए, उन सभी ने यही देखा कि इन बालकों ने सूंड से पकड़कर हाथी को भूमि पर दे मारा और इसका प्राण बंद कर दिया सच्चिदानंद भगवान के। प्रभु आगे बढ़े और कंस के आदेश से अन्य वो रक्षक पहरेदार अब चौकन्ने हो गए थे। चाणूर तथा मुष्टिक आदि भी जो महान पहलवान थे राजा कंस के, ये दोनों पहलवान चाणूर नाम का पहलवान भगवान कृष्ण से तथा मुष्टिक नाम का पहलवान बलराम जी के साथ भिड़ गया। राजा कंस ने भी आज्ञा दी कि अरे वीरो मेरे पहलवान, इन दोनों बालकों की बल पराक्रम की चर्चा हमने खूब सुनी है, आज जरा संपूर्ण मथुरा नगरी के सामने ये फैसला हो जाए कि ये बालक कितने शक्तिशाली हैं, इनके साथ कुश्ती करो। जितने भी प्रजाजन उन भवनों अटारिकाओं पर बैठे थे सब कहने लगे कि राजन ये अन्याय है, अन्याय है। कहां ये बड़े बड़े चाणूर और मुष्टिक नाम के पहलवान और कहां ये छोटे दो बालक, ये कुश्ती बराबरी की नहीं हो रही है। यदि पहलवानी करवानी है तो बराबरी के योद्धाओं में होनी चाहिए, परंतु राजा कंस ने किसी की नहीं सुनी और चाणूर और मुष्टिक भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम के साथ युद्ध करने लगे। भगवान के आगे ये वीर कितनी देर तक टिक सकते थे। चाणूर नाम के उस वीर को प्रभु ने सदगति दे दी और मुष्टिक नाम का वो पहलवान
बलराम जी के हाथों मुक्ति पा गया सचिदानंद भगवान की। अन्य सल सोशल दुर्मद आदि अनेकों असंख्य वीर भगवान की ओर बढ़े। बलराम कन्हैया से कहने लगे कि हे कन्हैया, अब कुछ सेवा का अवसर मुझे मिलना चाहिए। अर्थात त्रेता युग में आप बड़े भारी थे, आप आगे बढ़कर सब कार्य कर देते थे, बड़े बड़े खतरे मोल लेते थे, आज ये छोटी सी सेवा का अवसर मुझे दो। बलराम जी उन सल तोसल आदि सब पहलवानों के साथ भिड़ गए और भगवान श्री कृष्ण जी एक छलांग लगाते हैं और उस ऊंचे मंच पर जा पहुंचे जहां राजा कंस बैठा हुआ था और ये युद्ध उसको देख रहा था। भगवान श्री कृष्ण जी ने एक ही झटके के साथ राजा कंस का वो मुकुट भूमि पर गिरा दिया और जटाओं से बालों से पकड़कर राजा कंस को उसी अखाड़े में दे पटका सचिदानंद भगवान के। प्रभु के इस प्रयास से ही राजा कंस के प्राण पंखेरु उड़ गए और समस्त वो मथुरावासी भगवान श्री कृष्ण जी की जय जयकार करने लगे सचिदानंद भगवान की। बहुतों को तो इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जिस राजा कंस की वीरता की बातें सब ओर फैली थी वह राजा कंस इस हल्के से पटकने से ही उसके प्राणों का अंत हो गया है सचिदानंद भगवान की। भगवान श्री कृष्ण जी तुरंत कारागार की ओर बढ़े और अपने माता पिता देवकी एवं वसुदेव जी को मुक्त कराया, अपने नाना उग्रसेन जी को भी मुक्त कराया और उन्हें मथुरा के राज सिंहासन पर बिठाया सचिदानंद भगवान की। अपनी माता देवकी के पास पहुंचकर कन्हैया जी अनेक प्रकार से खेल व्यवहार करते हैं और माता देवकी भी अपने आप को धन्य मानती है। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण जी एवं बलराम जी ने संदीपनी मुनि के पास जाकर विद्या अध्ययन भी किया, 64 कलाओं में निपुण हुए प्रभु, और संदीपनी मुनि को भी विद्या प्रदान करने का अवसर देकर प्रभु ने एक प्रकार से धन्य नहीं किया, क्योंकि भगवान स्वयं समस्त ज्ञानों के भंडार हैं, समस्त दुनिया को संसार को ज्ञान बांटने वाले हैं। परंतु फिर भी संदीपनी के पास जाकर विद्या अध्ययन करके प्रभु ने ये बतलाया कि प्रत्येक प्राणी को गुरु धारण करना चाहिए और गुरु से विद्या सीखनी चाहिए। निगुरा चाहे कितना भी विद्यावान क्यों ना हो वो निगुरा ही कहलाता है और वैसा प्राणी उस विद्या का दुरुपयोग कर बैठता है। जिसने गुरु की डांट और गुरु के आशीर्वाद से विद्या नहीं सीखी वह विद्या का दुरुपयोग कर बैठता है सचिदानंद भगवान की। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी की मित्रता सुदामा आदि के साथ भी हुई और प्रभु ने सुदामा के साथ मित्रता निभाते हुए मैत्री के भी आदर्श स्थापित किए। हम आपको मित्रता धर्म निभाने का भी आचरण सिखलाए। इसके उपरांत प्रभु ने रुक्मणी सत्यभामा आदि 8 मुख्य रानियों के साथ मुख्य विवाह भी किए तथा साथ ही भौमासुर नामक असुर की कैद से अनेकों राजाओं तथा उनकी राजकुमारियों को छुड़ाकर जिनकी संख्या 16,100 थी, इन समस्त राजकुमारियों को प्रभु ने भौमासुर की कारागार से मुक्त कराया और अपने अपने राज्य नगर को लौट जाने के लिए कहा। उन सब राजकुमारियों ने कन्हैया से प्रार्थना की कि हे कन्हैया, हम बहुत लंबे समय तक किसी दुष्ट की कारागार में उसकी कैद में रही हैं। संसार समाज हमारे ऊपर लांछन लगाएगा, यदि तो आपने हमें मुक्त किया है तो हमारे उद्धार का भी आपको ही प्रबंध करना होगा। इन सब राजकुमारियों ने कन्हैया को ही अपना पति मानना चाहा और भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक उस राजकुमारी के साथ विवाह किया और प्रत्येक के साथ अलग अलग महल बनाकर अलग अलग रूप बनाकर प्रभु रहने लगे सचिदानंद भगवान के। प्रत्येक रानी के से भगवान श्री कृष्ण के 10-10 पुत्र तथा 1-1 पुत्री भी हुई और इस संसार में द्वापर काल में वो यदुवंश भगवान श्री कृष्ण जी का अपना वंश एक बहुत बड़ा परिवार एक बहुत बड़ी सेना बन गई। प्रभु ने द्वारिका नगरी को अपना निवास स्थान बनाया है और प्रभु अब विचार करते हैं कि इस पृथ्वी में द्वापर काल का अंतिम समय आ रहा है और अनेकों राक्षस राजाओं का रूप बनाकर बैठे हैं और पृथ्वी पर अनुचित अन्यायपूर्ण शासन कर रहे हैं। प्रभु इन समस्त राजाओं जो कि दुष्ट स्वभाव के हैं अधार्मिक हैं इनसे भी इस पृथ्वी को मुक्त करवाते हैं। जो कौरवों और पांडवों के मध्य एक धर्म युद्ध हुआ महाभारत का युद्ध, उस युद्ध में भी 18 अक्षौहिणी सेना थे
ये बहुत से राजा महाराजा वीर इस युद्ध में मारे गए थे। शेष जो जरासंध आदि अन्य वीर बचे थे वो भी प्रभु के द्वारा कल्याण के भागी, मुक्ति के भागी बना दिए गए। और द्वापर काल में प्रभु ने इस पृथ्वी से असंख्य उन दुष्टों राजाओं महाराजाओं का सफाया करके फिर से धर्म की स्थापना की। जो धर्म की जड़ें कमजोर हो रही थी वो सब जड़ें प्रभु ने फिर एक बार हरी कर दी सच्चिदानंद भगवान के। महाभारत आदि का युद्ध हो जाने के उपरांत उसमें द्वापर काल में केवल एक ही प्रबल सेना बची, वह थी प्रभु का अपना परिवार। वो यदुवंशी भी प्रभु का बल पाकर बहुत शक्तिशाली हो गए थे और शक्तिशाली होने के कारण अभिमानी और अज्ञानी हो गए थे। प्रभु के अपने ही वंशज प्रभु की आज्ञाओं से बाहर हो गए और वे संसार में जहां तहां अपनी मनमर्जी अपना बल दिखाने लगे। प्रभु अपने परिवार को भी समझाते हैं कि वास्तव में मेरा अपना सगा परिवार कोई नहीं, मेरे अपने बंधु मेरे प्रिय वही होते हैं जो मर्यादा पूर्ण जीवन जीते हैं। यदि मेरा स्वयं का पुत्र भी मर्यादा विहीन हो तो वह भी मेरे लिए शत्रु ही है। प्रभु जानते हैं कि इस विशाल यादवी सेना का नष्ट होना भी आवश्यक है, अन्यथा ये यादवी सेना संसार में कोहराम मचा देगी, क्योंकि इसका सामना करने की शक्ति दूसरी किसी सेना में नहीं रहेगी। इसके लिए प्रभु एक लीला रचाते हैं। सबसे पहले प्रभु अपने संपूर्ण इस परिवार को, संपूर्ण यादव सेना को सामूहिक रूप से इकट्ठा बुलाकर ये समझाते हैं कि संसार में रहने के लिए धर्म को धारण करना पड़ता है। धर्म के कारण ही संपूर्ण प्रजा सुखी रह सकती है और चिरकाल तक सृष्टि चल सकती है। यदि अधर्म बढ़ेगा तो इस संसार में, सृष्टि में कलह, कलेश, दुख, दरिद्र, अनेकों प्रकार की परेशानियां, बीमारियां भी बढ़ती हैं। अतः सबको मर्यादा पूर्वक जीवन जीना चाहिए। प्रभु ने एक शांति यज्ञ का आयोजन किया था और अपने संपूर्ण परिवार को उस यज्ञ में बुलाया था। प्रभु आगे मुख्य यजमान के रूप में बैठकर उस यज्ञ में कुछ कथा, कीर्तन इत्यादि श्रवण कर रहे थे, आहुति कर रहे थे और प्रभु की ही प्रेरणा से अपने काल से ग्रसित होकर वे संपूर्ण यादव पीछे पीछे से उठने लगे और जहां तहां जाकर मदिरा पान करने लगे। इन यादवों में आपस में ही कलह छिड़ गई, ये एक दूसरे से बहसबाजी करने लगे और धीरे धीरे ये बाक युद्ध शस्त्र युद्ध में बदल गया। मदिरा पान से मतवाले हुए वो यादव आपस में ही बहस करते हुए लड़ने झगड़ने लगे। एक भयंकर संग्राम यादव सेना में स्वयं नहीं छिड़ गया। इसके पीछे ये कारण था कि प्रभु की माया से प्रेरित होकर दुर्वासा ऋषि का श्राप इन यादव सैनिकों को लग गया था और साथ में कौरवों की माता गांधारी का भी प्रभु को श्राप था कि हे कृष्ण, आपने मेरे संपूर्ण परिवार को नष्ट किया है, जाओ एक समय तुम्हारा भी परिवार नष्ट हो जाएगा। और प्रभु उस श्राप को भी तथा दुर्वासा ऋषि के लिए श्राप को भी पूर्ण सिद्ध कर रहे हैं। किसी भी श्राप और वरदान की पूर्णता परमात्मा के आशीर्वाद से ही होती है और वह श्राप अथवा वरदान प्रभु इच्छा से केवल तभी प्रभावशाली होता है जब उस श्राप अथवा वरदान की आवश्यकता हो। गांधारी का श्राप पूर्ण नहीं होता, दुर्वासा का श्राप पूर्ण होने में समय लग जाता, यदि तो ये यादव मर्यादा पूर्ण जीवन जीते। जब ये मर्यादा विहीन थे तो स्वयं प्रभु की दृष्टि में ही इनका अंत होना जरूरी था। सच्चिदानंद भगवान की ये संपूर्ण यादव आपस में ही लड़ते लड़ते समुद्र तट तक जा पहुंचे, क्योंकि जिसमें दुर्वासा जी ने श्राप दिया था उसमें इन दुष्ट यादवों ने क्या किया था, सांब नामक भगवान के पुत्र को स्त्री के समान श्रृंगार किया, उसे साड़ी घूंघट इत्यादि पहनाया और इसके पेट पर एक लोहे की कड़ाही इत्यादि बांधी तथा दुर्वासा तथा अन्य ऋषियों के सामने पहुंच गए और इन ऋषियों के ही तपस्या की, तपोशक्ति की परीक्षा करने लगे। वो यादव वीर कहने लगे उस सांब नामक जिसे स्त्री बनाया गया था आगे करके कि यह स्त्री गर्भवती है, हे महात्माओं यदि आप सच्चे तपस्वी हैं तो बतलाओ इसके पेट से क्या पैदा होगा। अन्य ऋषियों ने तो इसे बच्चों का एक हंसी खिलवाड़ समझा, कुछ नहीं कहा।
दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि इसके पेट से तुम्हारे वंश का खात्मा करने वाला ही कुछ उत्पन्न होगा। सच्चिदानंद भगवान के और इन यादवों ने जिन्होंने ये उच्छृंखलता ये शरारत की थी भगवान कृष्ण को भी इस विषय में नहीं बतलाया था। कुछ बड़े बुजुर्गों ने इस लोहे की कड़ाही को समुद्र के किनारे पहुंचाकर घिस घिस कर इसका चूर्ण बना दिया था। अंतिम एक छोटा सा नुकीला टुकड़ा इस कड़ाही का इस लोहे का बच गया था, उसे समुद्र के बीच में फेंक दिया था। और आज यज्ञ में मदिरा पान करने वाले ये यादव वीर आपस में लड़ते लड़ते उसी समुद्र तक जा पहुंचे। इनके हथियार अस्त्र शस्त्र बाण इत्यादि टूट गए। जब अस्त्र शस्त्र भी टूट गए तो समुद्र के किनारे जो उस लोहे का वो चूर्ण गिरा था उस चूर्ण से एड़का नाम की घास उत्पन्न हुई थी, जो समुद्र जल के किनारे नदियों के किनारे घास एक तैने की खीनों के लिए उगती है, उसका नाम एरंड या एड़का कहा गया है। उसी घास को उखाड़ उखाड़ कर ये सब यादव वीर एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे और आपस में ही लड़ते लड़ते मारे गए। कुछ एक 10-20-50 बचे से संपूर्ण यादव सेना आपसी कलह से ही नष्ट हो गई। सच्चिदानंद भगवान की इसीलिए तो कहते हैं मर्यादा विहीन कुल के कुल वंश के वंश नष्ट हो जाते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जैसे ही बलराम जी ने अपने वंश की दुर्दशा देखी बलराम जी भी पूर्ण विरक्त हो गए और परमात्मा का ध्यान करते हुए बलराम जी परम तत्व में ही विलीन हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी भी बलराम जी को इस लोक को त्यागते देख इस लोक को त्यागने के लिए और गोलोक धाम के प्रस्थान के लिए तैयार हो गए। प्रभु आत्मचिंतन करते हुए ब्रह्म चिंतन करते हुए एक वृक्ष के नीचे जा विराजे और वहीं पर योग समाधि प्रभु ने लगा दी। वहीं दूसरी तरफ से जो समुद्र के बीच में एक लोहे का टुकड़ा नुकीला फेंका गया था वह किसी मछली के पेट में पहुंच गया था, मछली ने से निकल लिया था। एक शिकारी के द्वारा वह मछली पकड़ी गई थी, जैसे ही उस मछली के पेट को काटा गया इसके बीच ये चमकता हुआ नुकीला पैना टुकड़ा लोहे का इस शिकारी को मिला था। उस शिकारी ने इस नुकीले टुकड़े को अपनी बाण की नोक पर लगाया और विचार किया कि इससे पशुओं का शिकार करने में बड़ी आसानी सरलता होगी। वही शिकारी इसी बाण को धारण करता हुआ उसी वन प्रदेश की तरफ गया जहां वृक्ष के नीचे प्रभु लेटे हुए थे और प्रभु के पांव का तलवा चमक रहा था। उस शिकारी को ये लगा कि झाड़ियों के पीछे ये किसी हिरण का खुला हुआ लाल रंग का मुख है और उस शिकारी ने वही नुकीला बाण प्रभु की ओर छोड़ दिया हिरण समझकर। ये नुकीला बाण प्रभु के तलवों में जा लगा और प्रभु ने इस लोक को छोड़ने की अपनी लीला संवरण कर ली, पूर्ण कर ली। अर्थात प्रभु इस धाम को छोड़कर अपने गोलोक धाम के लिए पधारने लगे। सच्चिदानंद भगवान की जैसे ही बाण को घूमता हुआ इसने ये जाना कि मैंने गलती से भगवान श्री कृष्ण को ही बाण मार दिया है और मेरे इस बाण के लगने से भगवान श्री कृष्ण शरीर का त्याग कर रहे हैं। ये शिकारी प्रभु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा कि प्रभु मुझसे बड़ी गलती बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो, मुझे तो बड़ी दुर्गति नरक आदि योनि में जाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे शिकारी तुम्हें इस बात का इस अपराध का कोई दंड कोई सजा नहीं मिलेगी, मैं तुमसे पूर्ण प्रसन्न हूँ। ये शिकारी वास्तव में त्रेता युग का बाली ही था। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली के ऊपर एक वृक्ष के पीछे से छुपकर बाण चलाया था और उस समय बाली को आश्वासन देते हुए भगवान रामचंद्र ने कहा था कि इस समय त्रेता में इस जन्म में मैंने छुपकर तुम्हारा वध कर दिया, आगे जब हमारा जन्म होगा उस समय तुम भी मेरा वध कर देना, ना तो आज मुझे कोई दोष है ना उस समय तुम्हें कोई दोष लगेगा। सच्चिदानंद भगवान की जो प्रभु बड़ी से बड़ी राक्षस शक्तियों को एक पल में आंखों के इशारे से ही नष्ट कर सकते हैं वही प्रभु इस लोक को छोड़ने के लिए अब अपनी देहता का अभिनय करते हैं और प्रभु अपने धाम को जा विराजे। सच्चिदानंद भगवान की जिस दिन प्रभु ने इस पृथ्वी को छोड़ा उसी दिन से कलयुग की समय सीमा प्रारंभ हो गई थी। यहाँ हस्तिनापुर में पांडवों का राज्य स्थापित हुआ है, महाभारत के युद्ध में इन्हें जीत मिली है
और ये पांडव धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक प्रजाओं का पालन करते हैं। वंशज हुए हैं परीक्षित, परीक्षित को राजगति मिली थी। पांडव हिमालय की यात्रा करते हुए वानप्रस्थ होकर स्वर्ग लोक को सिधार गए थे। कलयुग के प्रथम सम्राट इस पृथ्वी के बने थे राजर्षि परीक्षित। राजर्षि परीक्षित एक समय कलयुगी माया से प्रेरित होकर ऋषियों का अपमान कर बैठे थे। जो मुक्त राजर्षि परीक्षित ने धारण किया था, जिस मुकुट को धारण करके उस परीक्षित ने उन समीप मुनि का अपमान किया था, वह मुकुट वास्तव में राजा जरासंध का था। भीम के द्वारा जरासंध का वध हुआ था और भीम क्योंकि क्रोधी और उतावले स्वभाव के थे, अतः जरासंध के मुकुट को अपने साथ ले आए थे। जिस किसी पराई संपत्ति के ऊपर हमारा अधिकार नहीं होता, उस संपत्ति को अपने पास रखने से केवल नुकसान ही नुकसान होता है। यदि पराया हक, पराई संपत्ति, पराई जमीन भूमि इत्यादि छीनकर हम अपने पास रखें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक पीढ़ी नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, अवश्य ही वो संपत्ति जो पराई है उस पीढ़ी को, उस वंश को नष्ट कर देती है। अतः पराई संपत्ति कदापि अपने पास नहीं रखनी चाहिए। राजर्षि परीक्षित ने वही जरासंध का मुकुट धारण कर लिया था। हालांकि इसके पीछे बात ये भी है, कारण ये भी है कि जरासंध का जब भीम ने वध कर दिया था, तो जो जीता हुआ कोई राजा है, हारे हुए राजा की संपूर्ण संपत्ति उस जीते हुए राजा की होती है। इस नियम के अनुसार उस मुकुट पर भीम का अधिकार तो था, परंतु पुरंजय नामक जो जरासंध का पुत्र था, वह जानता था कि मेरा पिता अर्थात राजा जरासंध बड़ा अन्यायी और क्रूर है। जब जरासंध का वध हो गया था, तो जरासंध का पुत्र पुरंजय भीम के सामने गया था और भीम की दासता स्वीकार करते हुए उस पुरंजय ने कहा था कि हे महाबली भीम, आपने मेरे पिता श्री का वध तो कर दिया, इन्हें अपने कर्मों की सजा मिल गई, परंतु मेरे लिए तो ये पिता ही है, अतः इनकी निशानी के तौर पर आप इस मुकुट को मुझे दे। यदि कोई शरण में आए, कोई प्रार्थना करे, उसके उपरांत भी हम क्रोध इत्यादि ही दिखाए, तो मानो हम ही दोषी हैं। भीम उसमें बड़े क्रोधी थे, उसने पुरंजय का अपमान कर दिया था और जरासंध के मुकुट को अपने साथ ले आया था। उसी मुकुट से देखो राजर्षि परीक्षित की बुद्धि भ्रमित हुई और सब साधु संतों की रक्षा करने वाला, संतों का वो सेवा करने वाला परीक्षित उसी पराय संपत्ति से बुद्धि को भ्रमित कर बैठा, संतों का अपमान कर बैठा और एक भयंकर श्राप अपने लिए दे दिया कि 7 दिनों में परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को भी प्रभु की लीलाएं सुनते हुए आज 7वां ही दिवस चला है। सुखमुनि महाराज राजर्षि परीक्षित को भगवान की अनेक अनेक लीलाओं की कथा श्रवण करवाते हैं और परीक्षित के मन को संसार से पूरी तरह सुखमुनि ने हटा दिया है, अलग कर दिया है। परीक्षित अब केवल परमात्मा का ही स्वरूप अपने मन में बसाए हुए हैं और उनकी कथाओं को सुन रहे हैं। जैसे ही भगवान की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन सुखमुनि महाराज ने परीक्षित के सामने कर दिया, सुखमुनि कहने लगे कि राजर्षि, आज तक जितने भी प्रश्न, जितनी शंकाएं आपने मुझसे की, मैंने उन समस्त शंकाओं, उन समस्त प्रश्नों के उत्तर दिए। आज अब एक प्रश्न मैं आपसे करने वाला हूँ, उस प्रश्न का उत्तर परीक्षित आपको देना होगा। परीक्षित कहने लगे कि गुरुदेव, आप अवश्य ही प्रश्न कीजिए, मैं तुरंत उत्तर दूंगा। उन सुख मुनि ने पूछा कि हे परीक्षित, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? परीक्षित ने तुरंत उत्तर दिया कि गुरुदेव, जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कैसे होगी? सच्चिदानंद भगवान, अर्थात जिस बात को समझाने का प्रयास सुखमुनि कर रहे थे, परीक्षित ने उस तत्व को, उस ज्ञान को समझ लिया है। परीक्षित को आत्मज्ञान हो चुका है। आत्मज्ञान क्या? अर्थात अपने आप को ये जान लेना कि मैं कोई शरीर नहीं, अपितु शरीर के भीतर जो शक्ति अर्थात आत्मा है उसका ज्ञान कर लेना। हम आप प्राणी ही अपने अपने आप को मनुष्य गिनते हैं, दूसरे जीव अपने आप को कीट पतंग कुछ गिनते हैं, हम स्त्री पुरुष ज्ञानी अनपढ़ बाल बुजुर्ग ना जाने कौन कौन सी भावनाएं अपने लिए करते हैं,
वास्तव में जो शक्ति इसमें मेरे मुख से बोल रही है वह आत्मा की शक्ति है। वह आत्मा उन परमात्मा का ही एक अंश है, एक रूप है। जिस शक्ति के कारण आप कुछ शब्द सुन रहे हैं वह शक्ति परमात्मा का ही स्वरूप है। जो शरीर आप सामने बैठे हैं वो आप नहीं है, आप आत्मा है। आत्मा अंश परमात्मा का होता है। ये बात समझाने का प्रयास सुखमुनि ने किया था, परीक्षित समझ चुके थे और ये जानते थे कि आत्मा अजर और अमर होती है। आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। जो प्राणी अपने आप को आत्मा न मानता हुआ शरीर गिनता है वह इस शरीर की मृत्यु हो जाने से घबराता है, पछताता है। जो अपने वास्तविक स्वरूप को आत्म रूप को जान लेता है उसे पता है आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, ना ही इसका जन्म होता है। शरीरों का बदलाव, शरीरों का त्याग ही आत्मा करती रहती है और तब तक ये जीवात्मा अनेक शरीरों को धारण करती रहती है जब तक कि मनुष्य योनि को प्राप्त की हुई उस जीवात्मा के समस्त कर्मों का लेखा जोखा पूर्ण नहीं हो जाता। पिछले दिवस की कथा में भी वर्णन आया था कि 84 लाख योनियां इस संसार में पाई जाती हैं। सृष्टि में प्रत्येक योनि में एक एक बार जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इस मनुष्य जन्म को कर्म योनि कहा जाता है, अर्थात मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी अन्य, चाहे कोई देवता है, गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, कोई नाग है अथवा कोई साधारण कीट पतंगे कीड़े मकौड़े, कोई सा भी जो जीव है वो मात्र भोग योनि है। अर्थात उनके कर्मों का कोई लेखा जोखा नहीं है। कर्मों का लेखा जोखा होता है सिर्फ मनुष्य का। मनुष्य जीवन पाकर आत्मा ने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए होते हैं उन्हीं के लेखे जोखे के अनुसार आगे कोई शरीर ये जीवात्मा धारण करती है। यदि तो कर्म अच्छे हो तो कदाचित मनुष्य का ही जन्म मिलता है किसी अच्छे घर में, संस्कार जहाँ पर हो, शिष्टाचार जहाँ पर हो, जिस घर परिवार में भगवान की भक्ति हो अच्छे जन्म करने से। और यदि कर्म अच्छे ना हो मनुष्य का रूप तो मिल जाता है परंतु प्राणी विवेक शून्य होता है। संसार में ऐसे प्राणियों को आप देख सुन और अनुभव कर सकते हैं जिनका कि परमात्मा से अथवा इस आत्मज्ञान से कोई लेना देना नहीं, जो कि सिर्फ धन के चक्र में जहाँ तहाँ भागते हैं और कष्ट आदि सहते हुए इस मनुष्य योनि को मानव बर्बाद करते हैं। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने कर्म इतने सुधार कर रखने चाहिए कि इस जन्म मरण के चक्कर से ये जीवात्मा छूट जाए। और यदि मोक्ष ना भी मिले, जन्म मरण के चक्कर से छूटने लायक पुण्य ना भी कमा पाए, कम से कम इतने सत्कर्म अवश्य होने चाहिए कि इस मनुष्य देह को छोड़ने के बाद आगे भी हमारा जन्म मनुष्य योनि में ही हो और किसी धार्मिक परिवार में हो, ताकि जो कमी हम अगले जन्म में सुधार सकें। यदि इस प्रकार का विवेक प्राणी धारण न करे तो केवल साधारण कीड़ा मकोड़ा बनकर अनेक जन्म प्राप्त करता हुआ कष्ट भोगता है और युगों युगों तक जन्म मरण के चक्कर में उलझा रहता है। सच्चिदानंद भगवान के प्राणी को चाहिए कि संभलकर सजग सावधान होकर अपने कर्मों अपने आचरणों को सुधारे और अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करे। इसी से मनुष्य का भला हो सकता है, इसी से मनुष्य जीवन की सार्थकता हो सकती है। राजर्षि परीक्षित इस संपूर्ण घटना की बात को समझ चुके थे, अतः उत्तर दे दिया था कि गुरुदेव मेरा जन्म नहीं होता है इसलिए मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। मृत्यु यदि होगी तो जिस शरीर को मैंने धारण किया है उस शरीर की मृत्यु होगी। 7 दिन परीक्षित को भी कथा सुनते सुनते हो गए थे और ऋषियों के श्राप से नागराज तक्षक परीक्षित की ओर, जो गंगा के किनारे परीक्षित बैठे थे, उस ओर बढ़ रहे थे। तक्षक एक ब्राह्मण का रूप बनाकर आ रहे थे और दूसरी तरफ से एक धनवंतरी नाम का वैद्य, कुछ स्थानों पर कश्यप नाम का वैद्य भी बतलाया गया है। एक वैद्यराज परीक्षित को सुरक्षा देने के लिए, इन्हें बचाने के लिए बढ़ रहे थे। उन नागराज की और उन वैद्यराज की मार्ग में ही आपस में भेंट हो गई। ये दोनों ब्राह्मण के रूप में थे। बातों में पता चला कि एक परीक्षित को मारने के लिए जा रहा है और दूसरा परीक्षित को बचाने के लिए जा रहा है। तक्षक नाग ने जब ये जाना कि ये वैद्यराज हैं
और किसी दवाई औषधि के प्रयोग से परीक्षित को बचाने वाले हैं। तक्षक ने कहा कि वैद्यराज, आपकी दवाई में, आपकी जड़ी बूटियों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मेरे भयंकर विष से किसी शरीर, किसी प्राणी की रक्षा कर सके। वैद्यराज कहने लगे कि तक्षक, आपको विश्वास नहीं, परीक्षा करके देखो। तक्षक ने एक हरे भरे विशाल काय बरगद वृक्ष के ऊपर डंक लगाया। डंक के लगने से वो संपूर्ण हरा भरा वृक्ष मानो राख का ढेर हो गया। तक्षक वैद्यराज से कहने लगा कि वैद्यराज, अपनी जड़ी बूटी का कमाल दिखलाओ। वैद्यराज ने भी उस वनस्पति जड़ी बूटी का कुछ घोल काढ़ा बनाया, मंत्रों से उसे अभिमंत्रित किया और वृक्ष जो कि राख बन चुका था उस राख के ऊपर छिड़क दिया। पहले की भांति वो वृक्ष हरा भरा हो गया। तक्षक ने इसी समय अपनी हार मान ली। तक्षक कहने लगा कि वैद्यराज, आपकी दवाई, आपकी औषधि मेरे विष से ज्यादा ताकतवर है, परंतु आप ये तो बतलाओ कि आप परीक्षित को बचाएंगे तो मैं अपने स्वार्थ अथवा लालच से परीक्षित को डंक नहीं लगाऊंगा, अपितु मैं तो संतों के दिए हुए श्राप को पूर्ण करने के लिए जा रहा हूँ। यदि परीक्षित को मैं डंक ना लगाऊं तो संतों की वाणी असत्य सिद्ध हो जाएगी, और यदि संतों की वाणी असत्य सिद्ध हो गई, संतों का कोई सम्मान नहीं करेगा, कोई संत बनेगा भी नहीं, कोई महात्मा बनेगा भी नहीं। यह सृष्टि जिसमें अनेक प्रकार के पाप कर्म होते रहते हैं, ये सृष्टि, ये पृथ्वी टिकती है संतों की तपस्या से, ब्राह्मणों के पूजा पाठ से, कन्याओं के कन्या व्रत से, स्त्रियों के पतिव्रत धर्म से। जब भी संसार में किसी एक भी स्तंभ में किसी प्रकार से कोई न्यूनता आएगी, या तो संत अपनी संतगिरि छोड़ देंगे, ब्राह्मण अपना निष्कप्त पूजा पाठ छोड़ देंगे, या कन्याएं अपने कन्या व्रत का त्याग कर देंगी, या तो स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म को भूल जाएंगी, अवश्य इस संसार में अनेकों प्रकार के रोग, कष्ट, संकट उत्पन्न होंगे और प्राणी मर्यादा विहीन होता हुआ आपस में ही एक दूसरे को कष्ट पहुंचाता हुआ इस संसार में अनेकों पीड़ाएं सहते हुए आगे भी नरक आदि योनियों में जाएगा। वो तक्षक ना कहने लगे कि वैद्यराज, इस समय परीक्षित को डंक लगाना और उसके शरीर का नाश करना परम आवश्यक है। मैं संतों की वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। वैद्यराज आप बतला दो आपके मन में क्या इच्छा है। वैद्यराज कहने लगे कि अरे, यदि मैं राजर्षि परीक्षित के प्राणों की रक्षा कर लूंगा तो राजर्षि परीक्षित का बेटा जन्मे से, जो कि स्वयं राजा बना हुआ है, मुझे बहुत सा धन सामग्री वस्तु में भेंट में देगा। तक्षक कहने लगे कि हे वैद्यराज, यदि आप केवल धन प्राप्ति के लिए जा रहे हैं तो उतना धन परीक्षित का पुत्र जन्मे जय आपको नहीं दे सकता जितना धन, जितना खजाना मैं आपको दे सकता हूँ। कथा के पूर्व दिवसों में भी बात कही थी कि इस भूमि के बीच में अथाह भंडार है स्वर्ण चांदी की और संपत्तियों के धन के। प्रत्येक उस भंडार, उस खजाने के पास कोई ना कोई नाग अवश्य पहरेदारी करता है। ये नाग बनते कौन है? जो मनुष्य जन्म पाकर कंजूस होते हैं, लोभी होते हैं और बहुत से धन वस्तुओं का संग्रह कर लेते हैं, जोड़ कर रख लेते हैं, ना तो स्वयं खर्च करते हैं किसी सत्कर्म में, ना तो स्वयं लगाते हैं, ना अपने परिवार को खर्च करने देते हैं। वे ही मृत्यु के उपरांत नाग योनि को प्राप्त होते हैं और परमात्मा कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य बनकर भी तूने केवल धन की रखवाली की, उससे कोई सत्कर्म नहीं किया, वैसे ही नाग बनकर अब धन की रखवाली कर। अर्थात प्रत्येक खजाने के साथ कोई ना कोई नाग की पहरेदारी होती है। तक्षक नाग ने बहुत बड़े खजाने उन वैद्यराज को बतला दिए कि वैद्यराज, जितना धन आपको चाहिए आप उस स्थान पर चले जाओ और वो सब खजाने आपके ही हैं, जितना उठा पाओ, जितना ले पाओ, सारा धन ले जाना, परंतु आप यह मार्ग से हट जाओ। मैं तक्षक परीक्षित को डंक लगाने के लिए जा रहा हूँ। परीक्षित वहाँ दूसरी तरफ भागवत धर्म को, भागवत ज्ञान को सुनकर पूर्ण मनोयोग से परमात्मा में समाहित हो चुके थे। परीक्षित जो वास्तव में परीक्षित की जीवात्मा है, और जो परीक्षित का शरीर है वो तो मानो एक ध्यान मुद्रा में गंगा के किनारे बैठा हुआ है।
यहाँ से तक्षक नाग गया और इसने परीक्षित के शरीर को दंत लगाया। परीक्षित का शरीर वहीं भस्म हो गया और परीक्षित का जीवात्मा इस आत्मज्ञान इस अमर ज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा के चरणों में परमात्मा में ही समाहित हो गया था। सच्चिदानंद भगवान के जिस प्रकार परीक्षित को जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी मिल गई, मुक्ति मिल गई, उसी प्रकार हम आपको भी भगवान के चरणों में वास हुए इसी प्रार्थना के साथ भगवान की इस अमर गाथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। प्रभु की कथाएं अनंत होती हैं, बड़े से बड़ा ज्ञानी इनका पार नहीं पा सकता, परंतु फिर भी हम आपने जितना एक सहयोग मेहनत परिश्रम किया और प्रभु के नाम का भी एक उच्चारण गुणगान किया, इस गुणगान को परमात्मा वैसे ही स्वीकार कर जैसे कोई माता पिता अपने छोटे नन्हे तोतली सी वाणी बोलने वाले बच्चे की सब वाणियों को प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं, वैसे हमारे द्वारा किए गए इस यज्ञ को प्रभु स्वीकार करें और हमें इसका अमर फल प्रदान करें। सच्चिदानंद भगवान की।